ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में अपने लिबर्टी सिटी वाले फ्रेंड ने अपनी 60 मिलियन डॉलर की वर्ल्ड की सबसे महंगी कार द बुगाटी सैंटोडेसी हमें रिपेयर करने के लिए दी थी। पता नहीं यार कैसे उसने उस गाड़ी को ले जाकर कहीं पर ठोक दिया, जिस वजह से उसकी गाड़ी पूरी क्रैश हो गई। आप लोग को तो पता ही होगा यार, लिबर्टी सिटी में कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और वहाँ पर गाड़ी भगाना, वो भी बुगाटी सैंटोडेसी, भाई बहुत मुश्किल बात है। 3 सेकंड में 200 किलोमीटर पहुंच जाती है वो कार। मैंने उसका स्पीड टेस्ट करा था तो सीधी सी बात है, एक्सीडेंट होना ही था अगर कोई भी भगाएगा तो उसने वो गाड़ी लिबर्टी से लॉस सैंटोस भिजवा दी थी और बोला था कि भाई इसको सिर्फ और सिर्फ बेनी से रिपेयर करवाना, क्योंकि वही एक बंदा जिस पर हम लोग आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि हाँ भाई ये रिपेयर करेगा तो गाड़ी में मस्त लुक आएगी। और बेनी ने उसे रिपेयर कर भी दिया एक ही दिन में और गाड़ी एकदम नई जैसी कर दी। और उस गाड़ी को लेकर हम लोग चले गए थे उसे वापस लिबर्टी डिलीवर करने के लिए। और ये सब जो काम है ना गाइस, हमने उसके लिए फ्री में नहीं करा था, क्योंकि आप लोग को पता होगा भाई उसने मतलब हमें बहुत सारा उधार जो है उसका हमें चुकाना है पूरा। पहले यार मैं जूस पी लेता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। यहां पर थोड़ा जूस पी लेंगे ना तो एकदम माइंड चिल हो जाता है। आज हमें गाइस काफी सारे काम करने हैं। तो हाँ, मैं वही कह रहा था, हमें उसके लिए वो काम फ्री में नहीं करा था। मुझे लग रहा था कि वो जो रिपेयरिंग का पैसा है ना, हम लोग उसी उधार में से काट लेंगे। और उसने बोला कि नहीं, इसके बदले तुम मेरे भाई के शोरूम से कोई भी गाड़ी ले जाओ। तो मैं वहां से रॉल्स रॉयस फैंटम लिमोजिन लेकर आ गया। बट बैड लक, जब मैं वहां से वापसी आया था ना, तो भाई बीच रास्ते में वेगास गैंग के बंदे मिल गए और उन बंदों ने भाई साहब मेरी आरआर लिमो रात के 3 बजे मुझे बीच रास्ते में घेर के पूरी की पूरी गैंग ने उस गाड़ी को मुझसे छीन लिया। अब यार देखो, मैं चाहता तो उनको कुटाई तो वहां पर लगा सकता था, बट यार आपको पता ही है वेगास गैंग के बंदों से हमने काम करवाया। अगर वो लोग बता देंगे ना लेस्टर को कि वो जो तुम्हारी हाइस्ट फेल हुई थी वो माइकल ने ही करवाई थी, तो सारा काम हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसी को बोला कि चलो भैया ठीक है, मैं नेक्स्ट डे आता हूं तुम्हारे पास पैसे लेके, बट तुम ये सब हरकत मत करना। तो अभी फिलहाल यहां पर मैंने बैग ले लिया जिसके अंदर अपने पास काफी सारा पैसा भरा हुआ है, क्योंकि इस टाइम पर गाइस हमें 10 मिलियन डॉलर्स वेगास गैंग को पे करने हैं और जो बाकी पैसा है 50 मिलियन डॉलर्स वो मुझे दे रहे हैं अपने बिल्डर के जो कि अपना शोरूम बना रहा है। तो पहले चलते हैं सीधा वेगास गैंग के पास, वहां से अपनी फैंटम लिमो उठाते हैं और ये है अपनी कावासाकी निंजा। उत्तरी भैंस की उत्तरी, मैं अभी घर से निकला ही हूं और यहां पर ये हॉर्न, अबे ओ भैंस की, अबे वो भी भाग गई, अपनी बाइक बिगड़ गई, इसको तो मैं पक्का नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको देखने जा रहा हूं उसने गाड़ी ठोकी कैसे, मतलब एक हॉर्न तो दे दी थी मुझे, पता है मैं यहां पर इस टाइम उतना ध्यान नहीं दे रहा हूं। 1 मिनट रुक जाओ, इसके भैंस की गाड़ी कौन सी वाली थी वो, मैं तो यही भूल गया, ये वाली गाड़ी नहीं थी यार वो लड़की, अच्छा शायद से ये वाली गाड़ी थी जहाँ तक मुझे ज्यादा बाहर निकल। अंधी है क्या तीरी ऐसे की तैसी, वाह ये तो पहले ही गिर गई जमीन पे, चुपचाप भग जाए ऐसे, अभी अब तू नहीं जाएगी मैं जाऊँगा सिर्फ। ओके लेट्स गो, फिलहाल मैं भी इसकी गाड़ी का ना टायर पंचर कर देता हूँ। इसने हमारी बाइक पे टक्कर कैसे मारी, अभी फटाफट से चलते गाइस सीधा वेगास गैंग के पास। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं कावासाकी निंजा S2 लेकर सीधा वेगास गैंग के एरिया में पहुंचने वाला हूं। और लास्ट टाइम गाइस उनसे पंगा ना लेने का दूसरा रीजन ये था कि अगर वो लोग अपनी फैंटम लिमोजिन को भी तोड़ फोड़ देते ना तो ज्यादा नुकसान हो जाता, वैसे भी उन्होंने उस पर बाइक वाइक लाकर ठोक ही दी थी। इसलिए मैंने कहा लो भाई तुम इस गाड़ी को रखो, मैं कल 10 मिलियन डॉलर्स लेकर तुम्हारे पास आता हूं। और 1 सेकंड, यहां पर यार अपनी गाड़ी कहीं भी नजर नहीं आ रही, लास्ट टाइम इन लोगों ने मुझे इसी जगह पर पकड़ा था। अभी फिलहाल मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा ना आगे की तरफ में चलता हूं, क्योंकि वहां पीछे वाली साइड पर ना काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। वो फैंस की यहां पर क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट रुक जाओ, पहले ना मैं एक काम करता हूं अपनी गाड़ी ना पीछे गली में खड़ी करके आ जाता हूं, क्योंकि यार देखो अगर अपनी मुझे आरआर लिमो को यहां से लेकर जाना है तो मुझे अपनी बाइक को यहीं पर छोड़कर जाना होगा और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं इनके अड्डे में अपनी बाइक को छोड़ूं। इसलिए मैं कोई ना बढ़िया सी जगह ढूंढ रहा हूं, कोई शांति सी गली हो वहां पर अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं। फिलहाल ये पार्किंग है, इसके एकदम कोने में लगा देता हूँ, काश यार अपनी बाइक यहाँ पर सेफ रहे। और वैसे भी मैं भी थोड़ी देर में आकर ले जाऊंगा अगर टाइम रहा तो, वरना तो जिमी को बोल देंगे वो ले जाएगा, क्योंकि यार इन वेगास गैंग के हाथ लगने से तो बढ़िया है घर पे जाकर ये सेफ खड़ी हो जाए। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं और देखते हैं आखिरकार उधर क्या सीन चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर क्यों लगी हुई है। ये सारे के सारे कहीं आरआर लिमो को पहली बार देखकर हैरान से तो नहीं हो गए, ओ भैंस की, अच्छा इधर भाई साहब आर्म रेसलिंग चल रही है और ये कुत्ता क्यों भौंके जा रहा है। ओ भाई भाई अपने मालिक को ही भौंक रहा है, रोड पे बैठा हुआ है वो। ओके तो फिलहाल अभी इस तरफ में यार ये देखो आर्म रेसलिंग चल रही है, वो भी दो पतले पतले बंदों की, भाई इनकी तो कभी हार जीत होने नहीं वाली, दोनों ही हारेंगे ऐसा लग रहा है। भाई ये डोरेमोन क्या कर रहा है इधर, इसको देखो भाई कितना मोटा है। खैर छोड़ो यार इनका मैच चल रहा है, चलने दो। फिलहाल वो देखो इन्होंने सामने की तरफ अपनी रेड कलर की फैंटम लिमोजिन के दोनों गेट खोल कर उसे बीच रास्ते में खड़ा कर रखा है और यहाँ पर ये गाना वाना शूट कर रहे हैं कि भाई ये क्या मजाक हो रहा है भाई,
सेकंड, मैंने इन लोग को बोला था कि मैं तुमको कल ही $10 million लाकर दे दूंगा और गाड़ी को कुछ होना नहीं चाहिए। ये इनको यहाँ पर मस्ती सोची हुई है। इनका मालिक कहाँ पर है, इनका मेन बोस कहाँ पर है, अभी मैं सीधा उसके पास जाने वाला हूँ। भाई मतलब मजाक बना रखा, हम भी वेगास गैंग के बंदे थे थोड़े टाइम पहले, मतलब अभी भी हैं, बट यार फिर भी ये क्या हरकत है। तो गाइस वो देखो सामने की तरफ में वेगास गैंग का मेन बॉस खड़ा हुआ है, जिससे बात करके हमने वेगास गैंग ज्वाइन करी थी। अभी जल्दी से जाकर इसके मुंह पे पूरे $10 million मारता हूँ और इसे मैं साफ बोल दूंगा कि मैं आज के बाद भाई तुम्हारी गैंग के लिए काम नहीं करूंगा और ना ही तुमसे कोई काम करवाऊंगा। और भाई एक बंदे के इन्होंने यहाँ पर एक्स मार रखे, वो भी पीठ में। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल वेगास गैंग के बॉस से बात हो चुकी है और गाइस ये कह रहा है कि अगर तुम एक दिन भी और पैसा लेट लाते तो हम लोग तुम्हारी रोल्स रॉयस फैंटम लिमोजिन को तोड़ डालते या फिर उससे बेच डालते। वैसे अच्छी बात यह है कि मैंने इन्हें टाइम पे लाकर पैसा दे दिया है। मैंने अपने बैग से गोल्ड कैश निकाल कर इनके बैग में डाल दिया और वो बैग इनको पकड़ा दिया है और उम्मीद है कि भाई वो पूरे $10 million ही होंगे क्योंकि मैंने काउंट नहीं करा। भाई देखो कैश तो $5 million था, बाकी हाँ 3-4 bars थे गोल्ड के जो कि हमें उस वाली हाइस्ट से मिले थे। अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं सीधा अपने बिल्डर के पास। बाकी जितना भी कैश इस टाइम पर बैग में टूस टूस के भरा हुआ है वो सारा का सारा $50 million है जो कि हमें ले जाकर देना है अपने फ्रेंड को, मींस अपने उस दोस्त को जो कि हमारा शोरूम बनाने में लगा हुआ है। फिलहाल उनका पंजा अभी तक नहीं खत्म हुआ होगा। भाई ये नकली आर्म रेसलिंग खेल रहे हैं दोनों, अच्छा नहीं शायद बंदे बदल गए हैं। भाई तगड़ी आर्म रेसलिंग चल रही है वहां पर, उसके ऐसे के तैसे भाई ये लोग अपनी फैंटम लिमोजिन के ऊपर चढ़ के गाना शूट कर रहे हैं। इसको मैं अभी चुपचाप से नीचे उतार देता हूं वरना इसकी तुड़ाई करनी पड़ेगी। उतर में नीचे तेरी ऐसी तैसी, वे गाड़ी हम लेकर यहां से जाने वाले हैं। तो गाइस अभी ना मैंने इसको गाड़ी से नीचे उतरने के लिए बोल दिया लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा, उतर तेरी ऐसी तैसी। भाई साहब चोड़ा हो रहा है, एक तो मैं इसे नीचे उतरने के लिए बोल रहा हूँ ऊपर से चोड़ा हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ, गन कैसे बाहर निकाली इसने, गन अंदर रख ले बेटा तेरी भैंस की टांग निकल यहाँ से। तो लो भाई पीछे जितने भी बंदे थे एक गोली चलते ही सारे के सारे भग चुके हैं। मुझे लग रहा था कि सारे गैंग मेंबर्स हम मिलके मुझसे लड़ने वाले हैं और जो चीज मैं नहीं चाहता था वही हुई। और इसको समझ नहीं आ रही क्या कि मैंने सिर्फ उसको गोली मारी है, मैं इसको नहीं मारना चाहता हूँ। जान मुझके डरने की एक्टिंग करे, भाग दिमाग खराब कर रखा है। भाई सब मेरे को पता है क्या लग रहा है कि मेरा उधर वाला जो ग्लास है ना आरआर का वो टूट चुका है क्योंकि वहां से भी पीछे किसी ने तो फायर करा था, बट अभी सारे एकदम झटके से भगे। ये देखो मैं कह रहा था ना ये वाला ग्लास गया इसके चक्कर में हुआ, सब चुपचाप से गाड़ी से उतर जाता पूरे $10 million। ये देखो भाई कितनी सारी गोलियां यहां पर चली है, बट जैसे मैंने इसके बजाई ना भाई सब कुछ सारे निकल लिए एक मिनट के अंदर। चलो यार कोई नहीं, भी फिलहाल मैं तो अपनी आरआर लिमो के अंदर बैठ चुका हूं। जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर यहां से निकलते हैं। ग्लास हल्का सा टूट रहा था बट अभी वो पूरा टूट चुका है और सामने से पुलिस वाले आकर वेगास गैंग के बंदों को भगा रहे हैं मार के। भाई एक सेकंड, यहां पर कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा गलत सीन हुआ है। भाई पुलिस वाले मारने आ रहे हैं वो तेरी भैंस की, वेगास गैंग के बंदों को अरेस्ट करने आए हैं सामने पुलिस वाले। भाई मैं यहां से निकल लेता हूं क्योंकि यार मेरे को पता है क्या लग रहा है कि जब से न्यू मिलिट्री कर्नल आया ना पुलिस मेरे को लग रहा है वापस से स्ट्रिक्ट हो गई है। भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दोबारा से किसी तगड़ी गैंग के ऊपर पुलिस वाले अटैक कर रहे हो। और अभी यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह भी आ चुकी है, अब पता नहीं उनकी लड़ाई के लिए आई है या फिर पुलिस वाले के लगी है उसके लिए आई है। खैर छोड़ो, हम लोग सही टाइम पर वहाँ से निकल चुके हैं, थोड़ी देर हो जाती ना तो हम लोग भी इन पुलिस वालों के बीच फंस जाते। इस टाइम पर गाइस जो मिलिट्री कर्नल है वो अब मेन मिलिट्री कर्नल नहीं रह चुका है, आपको पता ही होगा दूसरा मिलिट्री कर्नल आ गया है। इसलिए गाइस बहुत गलत सीन है, मैं सोच समझ के काम करना पड़ेगा अगर कोई भी करना है। फिलहाल अभी जल्दी से मैं निकलता हूँ सीधा अपने शोरूम के लिए। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मैं अपनी आरआर लिमो को शोरूम ले जाने से पहले से लेकर आ चुका हूँ सीधा एलएस कस्टम की शॉप पे। भाई साहब साइड हट जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, महंगी गाड़ी आ रही है। तो मैंने सोचा कि यार जाने से पहले ना लगे हाथ हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी का शीशा रिपेयर करवा लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और तू अपनी गाड़ी भाई पहले साइड कर ले ताकि मैं अपनी गाड़ी आराम से अंदर ले जा पाऊँ, लेट्स गो। तो चलो यार अभी ना फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को अंदर लेकर चलते हैं और वो देखो सामने की तरफ में वो घोंचू खड़ा हुआ है। फटाफट से भाई रिपेयर कर दे इसकी विंडो क्योंकि अपने पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, बाकी अपनी गाड़ी पर कहीं भी पेंट करवाने की जरूरत तो है नहीं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इसने अपनी गाड़ी में नई विंडो लगा दी है, तो फटाफट से गाइस अपनी आरआर लिमो को लेकर निकल लेते हैं हम लोग सीधा अपने बिल्डर के पास, मींस अपने शोरूम में जहां पर वो हमारी गाड़ी रिपेयर कर रहा है। तो एक बार आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो अपनी जो आरआर लिमो है इस टाइम पर पूरी नई जैसी लुक की हो चुकी है। मुझे इस पे कौन सा कलर कराना चाहिए आप लोग गाइस मुझे ना कमेंट में जाकर जरूर बताना, क्योंकि इस टाइम तो गाइस ये पूरी रेड कलर की है तो मुझे काफी ज्यादा सही भी लग रही है। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वेगास गैंग के बंदों ने ना इसे नीचे से स्प्रे करवाया, क्योंकि जहां तक मुझे आता है जब मैं इसे लेकर आया था तो ये नीचे से पूरी ब्लैक थी बट अभी ये ग्रे हो चुकी है, पता नहीं उन्होंने क्या ही करा, बट जो भी है सही लग रही है। और मेरे को इसे ब्लैक करवाना चाहिए व्हाइट करवाना चाहिए वो आप कॉमेंट में जाकर मुझे जरूर बताना। फिलहाल अभी जल्दी से निकलते हैं हम लोग सीधा शोरूम, ये गाड़ी भाई सच्ची में तेज भागने लग जाती है बट पिकअप बहुत
दिखती ही रहे है। तो ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली हम लोग अपनी आरआरएमओ लेकर सीधा अपने शोरूम में पहुंचने वाले हैं। एक बार जल्दी से चलकर देखते हैं कि आखिरकार इन लोगों ने वहां पे कितना काम कर दिया है। जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो इन्होंने एक दिन के अंदर ही जो शोरूम की फ्रंट साइड थी उसे पूरा तोड़ डाला था। और अभी ना गाइस दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि वहां पर इन लोगों ने शोरूम के चारों तरफ कुछ बड़ी बड़ी टेम्पररी वॉल्स खड़ी कर दिया है और रीबिल्डिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है। वॉल्स इसलिए खड़ी करी है ताकि जो तोड़फोड़ वाली अंदर की धूल होती है वो हाईवे पे ना आए, वरना भाई एक्सीडेंट हो जाता है। तो जहां भी कंस्ट्रक्शन होती है वहां ये सब होता ही है। बाकी आप लोग यहां पर देख पा रहे हो भाई काफी ज्यादा बड़ी बड़ी क्रेन इन्होंने लगा रखी है भाई, पूरा तोड़ दिया है शोरूम तीन दिन के अंदर ही। मेरे को लग रहा है रीबिल्डिंग का काम स्टार्ट हो गया है क्योंकि क्रेन के आने का मतलब तो वही है। फिलहाल यहां पर आप लोग देख पा रहे हो इस तरफ में तो भाई यहां पर कितनी सारे ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं और एंट्रेंस बंद कर दी गया भाई इधर से। मैं पिछली बार इधर से ही तो आया था यार, मेरे को लग रहा है कि इधर ना तोड़फोड़ ज्यादा ही होगी है। मुझे अपनी आर आर लीमो को घुमा के लाना पड़ेगा दूसरी वाली एंट्रेंस से। वाह यार, मेन गेट तो कम से कम खुला रहना चाहिए था ना। चलो कोई नहीं, मुझे एक रास्ता और पता है, बस मुझे आगे से अपनी गाड़ी को यू टर्न मार के लाना होगा। और एक तो भाई ये गाड़ी का पिकअप इतना ज्यादा धीरे है ना भाई, एक बार ब्रेक मार दो ना उसके बाद भाई मतलब इंजन भी इसका तगड़ा है बट गाड़ी बहुत ही ज्यादा हैवी है ये वाली। इसको बैनी से ना थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवाएंगे तभी थोड़ी सी सही चलेगी। फिलहाल अभी मेरे को इधर से ही घुमा कर ले जाना है, हाँ यही यू टर्न है, यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं। और भाई इतनी महंगी गाड़ी को कैसे कैसे रास्ते से मुझे लाना पड़ रहा है यार, ये देखो भाई यहाँ से उतर तो जाएगी ना सही से। वो तेरी भाई एक मिनट आराम से, भाई लग रहा गाड़ी पर डेंट आएगा पीछे वाली साइड पर। ओ लेट्स गो, थोड़ी तिरछी करके उतारी इसलिए एक बार में उतर गई। और ये देखो गाइस ये वाली साइड से इन्होंने भी रास्ता खोला हुआ है क्योंकि मेरे हिसाब से यहीं से ट्रक आ जा रहे हैं, मेन रोड मतलब कि हाईवे का वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ से जो पीछे वाले रास्ते हैं ना ट्रैवर की गाँव की तरफ जो जाते हैं उन्हीं रास्तों का ये लोग यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल वो बैठा बिल्डर सामने की तरफ में, तो चलो यार अभी ना फटाफट से चलकर हम लोग उससे बात करते हैं, अपनी गाड़ी को हम लोग यहीं पर खड़ा कर देते हैं। भाई साहब कितनी ज़्यादा सही लग रही है कार, तो सबसे पहले चलकर मैं उसको यहाँ पर उसके पैसे पे कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी जितना भी भरने भुरने का सामान है वो सारा ये बंदा कर रहा है, गाड़ी जो है पूरा सामान इसमें भर के जाएगा। और यार एक सेकेंड, पूरा शोरूम मुझे लग रहा था इन्होंने तोड़ दिया होगा बट अभी शोरूम तो भाई मतलब ऑलमोस्ट बना ही पड़ा है। लग रहा फ्रंट साइड इन्होंने तोड़ दिया और ऊपर वाली साइड को भी तोड़ने फोड़ने का काम चल रहा है और काफी ज्यादा पत्थर गिर रहे हैं भाई ऊपर से क्योंकि ड्रिलिंग हो रही है ऊपर वाली साइड पे। बाकी यार वो देखो सामने की तरफ से, मैं शायद से इधर जाना भी ना इन्होंने बंद कर रखा है क्योंकि चोट वोट लग सकती है भाई। फिलहाल जल्दी से हम लोग बिल्डर के पास चलते हैं, पहले इसको पेमेंट मारते हैं और फिर पूछते हैं कि आखिर और अभी कितना टाइम लगेगा इसको बनने में। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने अपने बिल्डर को पेमेंट कर दिया अपने शोरूम बनाने की और फिलहाल उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो पैसे पूरे चेक कर रहा है। और यार मैंने इससे बात करी थी कि आखिरकार अभी और इसमें कितना टाइम लगने वाला है पूरा बनने में, तो यार ये कह रहा है कि अभी तो बस काम स्टार्ट हुआ है, मतलब तोड़फोड़ का काम हो चुका है, अभी भी एक हफ्ता लगेगा अगर ये फुल स्पीड में दिन रात काम करके बनाएंगे तो। वैसे अगर देखा जाए तो एक हफ्ता ना ज्यादा नहीं है, बन जाएगा, बढ़िया रहेगा। फिलहाल हम लोग ना चलकर एक बार देख कर आते हैं फ्रंट साइड पर कितना काम हो चुका है। मुझे ना उसने जाने के लिए मना करा था क्योंकि ऊपर तोड़फोड़ बहुत ज्यादा चल रही है, आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो, एक आध पत्थर अपने ऊपर आकर गिर जाएगा ना गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं भी नहीं जा रहा भाई क्योंकि हमें अपने ऊपर पत्थर पत्थर नहीं गिरवाना है, इससे बढ़िया चुपचाप हम लोग निकल लेते हैं सीधा अपने घर के लिए वापस। और यहाँ पर ये कौन भाई सब जी आए हैं इतनी बढ़िया सी गाड़ी लेकर, पुराने टाइप की गाड़ी है बट काफी ज्यादा सही। ओ भैंस के, ये तो अपना दोस्त लग रहा है, मेरे को लगा कि लेस्टर आ गया बट ओ भाई ये तो अपना दोस्त है पुराने वाला। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और गाइस यार ये ना यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आया था। वैसे मैं आप लोग को बता दूं ये कौन है, तो यार ये ना माइकल के स्कूल टाइम का ही फ्रेंड है और इसका नाम है डेव। और ये यहाँ पर गाइस इसलिए आया था क्योंकि इसको ना मालूम पड़ा है कि ये जो बड़ा वाला स्टोर है ना ये हमने खरीद लिया है और इसको भी हम लोग ना डीलरशिप में कन्वर्ट करवा रहे हैं, मीन्स यहाँ पर हम लोग एक अपना बहुत बड़ा शोरूम खोलने वाले हैं। तो यार ये कह रहा है कि तुम्हें पक्का कुछ ना कुछ गाड़ियाँ तो चाहिए होगी, तो ये ना एक ऐसे बंदे को जानता है जिससे हम लोग ना एक से एक लग्जरी कार्स आज के लिए आधे प्राइस में हम लोग वहां जाकर ले सकते हैं। कोई बहुत बड़ा वेयर हाउस है जहां पर लिबर्टी से गाड़ियां इंपोर्ट हुई है, तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूं, पहले तुम्हारे घर पर गया था फिर पता चला कि तुम अपने शोरूम के लिए निकल चुके हो इसलिए भागता भागता यहां पर आ गया है। तो ये कह रहा है कि तुम ना मेरे साथ अभी कभी चलो वहां पर गाड़ियां देख लो, अगर पसंद आती है तो ले लेना वरना कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे यार हां भाई सच्ची में इस टाइम पर हमें गाड़ियों की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अपने शोरूम में भी इस टाइम पर एक भी गाड़ी नहीं है, बस वहां पर गाड़ियां रिपेयर होने के लिए आ रही है। और वैसे भी हमें अपने शोरूम की टीम बड़ी करनी है बट पहले वाला शोरूम बन जाए उसके बाद। तो अपने पास इस टाइम पर पैसे तो नहीं है बट पैसों का जुगाड़ हमें करना पड़ेगा, एक बार ही देख कर आ जाते हैं क्योंकि यार देखो अगर लंबोर्गिनी वगैरह और मतलब एक से एक तगड़ी कार रोल्स रॉयस टाइप हो गई वो आधे प्राइस में मिल जाएगी तो भाई बहुत ज्यादा सही रहेगा। और ये कह रहा है कि वो सारी की सारी गाड़ियां लिबर्टी सिटी से इंपोर्ट हुई है, तो सीधी सी बात है वो गाड़ियां सारी नई कंडीशन में ही होंगी क्योंकि लिबर्टी से नई गाड़ियां ही आती है मैक्सिमम। तो ओके गाइस अभी ना फटाफट से इसने मुझे उस जगह की लोकेशन बता दिया है जहां पर उस अमीर बंदे
बंदे ने लिबर्टी सिटी से गाड़ियां इंपोर्ट करवाई है और वो जगह है पलीटो में। मतलब क्या लास्ट टाइम जब हमें ट्रक चाहिए थे हम तब भी पलीटो गए थे, आजकल भाई डेली आना जाना हो रहा है इतनी दूर दूर तक। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट से गाइस अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बट जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि यार ये डील मैं बिल्कुल भी मिस नहीं होने दूंगा भाई आधे प्राइस में। ओ एक सेकंड अभी बहुत लंबा जाना पड़ जाता, मैं अपनी गाड़ी को ना शॉर्टकट से निकाल लेता हूँ सीधा यहाँ से। मेरे को बस माउंट शिलाड पूरा पार करना पड़ेगा लेफ्ट ले जाके, ये एक इस बड़े से माउंटेन की वजह से इतना ज्यादा लॉन्ग कट मारना पड़ता है वरना तो भाई सीधा जाते ही आ जाता रास्ता। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट नहीं लेफ्ट मोड़ने वाला हूँ क्योंकि जिस बंदे के पास हम लोग गाड़ियां लेने जा रहे थे अभी मेरे फ्रेंड को उसका कॉल आया है और वो कह रहा है कि कल लास्ट नाइट ही उसने अपनी सारी गाड़ियों को पलीटो से लॉस सैंटोस ऑर्डर स्कूल में मूव करवा दिया था ताकि वो जो गाड़ियां है ना जल्दी से जल्दी बिक जाए और आधे दिन के अंदर ही उसकी 40 सुपर लग्जरी कार्स बिक चुकी है। अब यार मुझे तो ये लग रहा है कि जो अच्छी अच्छी कार होगी होगी ना वो सारी बिक गई होगी क्योंकि उसने बहुत सारे जो डीलरशिप के ऑनर्स हैं उनको गाड़ियां बेची है, किसी नॉर्मल बंदे को नहीं बेची। तो अभी हम भी डीलरशिप के ऑनर है तो फटाफट से हम लोग जाते हैं देखते हैं कौन कौन सी बची कुची गाड़ियां उसके पास पड़ी है। वो कह रहा है कि अभी भी उसके पास मतलब पड़ी हुई है बहुत सारी कार्स, 20-30 कार्स हैं। तो चल कर देखते हैं भाई कौन कौन सी कार्स है और कौन कौन सी हमें उससे खरीदनी चाहिए, प्राइस वगैरह सब कुछ देखेंगे, फिलहाल जल्दी से पहुंचते हैं। तो ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली हम लोग अपनी लीमो लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा ऑर्डर स्कूल मींस लॉस सैंटोस ऑर्डर स्कूल पे जहां पर उस बंदे ने अपनी सभी गाड़ियां बेचने के लिए भेजी है, शायद से वो खुद भी यहां पर आया हुआ है। भाई चलो चलकर मिल लेते हैं उससे, आखिरकार ऐसा कौन सा अमीर बंदा है जो कि भाई साहब 50-60 गाड़ियां लिबर्टी सिटी से इंपोर्ट कराकर लॉस सैंटोस बेचने के लिए लाया है। चलो कोई नहीं, और वो भी हां सारी की सारी सुपर लग्जरी कार्स। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने गाड़ी पीछे थोड़ी सी ठोक दी अपनी लीमो में। चलो कोई नहीं यार, ऐसा छोटा मोटा एक्सीडेंट तो होता रहता है बट फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को अंदर लेकर चलते हैं। वैसे यार यहां पर आज जो है पार्किंग ना पूरी भरी हुई है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अपनी गाड़ी कहां पर पार्क करूंगा। एक काम करता हूं, मेरे को ज्यादा देर का यहां पर काम तो है नहीं इसलिए अपनी गाड़ी को ना एक सेकंड पीछे की पार्किंग थोड़ी सी खाली है और हाँ ये ऐसा लग रहा है कि अपनी गाड़ी के लिए इन्होंने जगह बचा कर रखी थी तो अपनी गाड़ी को हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर पार्क कर देते हैं। यार इस गाड़ी को ना घर पे ले जाकर खड़ा कर देंगे, इसको चलाना मतलब टाइम पूरा बर्बाद करना। आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा स्लो चल रही है। चलो कोई नहीं फिलहाल इसे यहीं पर खड़ा करते हैं और जल्दी जल्दी अभी हम लोग ऑर्डर स्कूल गेट बंद कर देना, भाई गाड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगी है। ओके तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना रखा है, मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ, मुझे मालूम है यहाँ पर लाइसेंस वगैरह बनाने आना पड़ता है बट हमें लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं है, आज तक कभी बनवाया नहीं। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं अंदर। यहाँ पर अभी भाई भीड़ कितनी ज़्यादा लगी हुई है, मतलब कि यार गाड़ियाँ सस्ते में मिलने नहीं लगी, सारे के सारे लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। फिलहाल सबसे पहले तो मैं इससे बात कर लेता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल इससे तो बात हो चुकी है बट जो अपना फ्रेंड है ना वो कह रहा है कि हम लोग यहाँ पर कोई लाइसेंस बनवाने नहीं आए हैं इसलिए सीधा तुम पीछे गैराज में आओ, वहीं पर वो बंदा बैठा हुआ है और अपनी सारी गाड़ियाँ लेकर आया हुआ है। तो फटाफट से आओ गाड़ियाँ देखो। और एक सेकेंड यार ये तो मीटिंग रूम है, हमें जाना है पीछे गैराज में। गैराज कहाँ पर है यार, यहाँ मुझे ये भी तो नहीं मालूम, मैं पहली बार आ रहा हूँ इस ऑर्डर स्कूल में। ओ भाई साहब गाइस ये देखो सामने की तरफ में कितनी तगड़ी एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार खड़ी हुई है और यार क्या ही कलर कॉम्बिनेशन है, और वो सामने की तरफ में जो बंदा बैठा हुआ है शायद से वही है वो बंदा जिससे हम लोग गाड़ियां लेने आए हैं। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि ये सारी गाड़ियां ना हमें $25 million की दे देगा बट अभी पेमेंट करने पर। तो मैंने इसे बोल दिया भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है बट कल तक मैं कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करके पेमेंट कर दूंगा। तो ये कह रहा है फिर कल तुम पूरे $35 million लेकर आना, मतलब एक दिन लॉस सैंटोस रुकने के भाई हमसे $10 million ज्यादा मांग रहा है। बट कोई नहीं यार अभी ठीक है, ये सब गाड़ियां ना लिबर्टी में भी इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलती है, मतलब मिल जाती है बट आधे प्राइस में नहीं मिलती है। फिलहाल आप लोग खुद देखो भाई हमें $35 million में एक लैम्बोर्गिनी उरुस, फरारी, लैम्बोर्गिनी सेंटेनारियो, BMW भाई एक से एक कार आ जाएगी और ये तो बता ही नहीं लैम्बोर्गिनी SVJ भाई ये सारी बहुत महंगी कार्स हैं। फिलहाल ये वाली कार और एक ये वाली कार ये हमें नहीं देने वाला है इसके अंदर, मतलब कि ये जो बहुत तगड़ी फॉर्मूला 1 कार है इसका अकेले का प्राइस ये $50 million मांग रहा है। तो इतना तो नहीं है बट हमने कहा कि जो गाड़ियां अंदर है वो हम लेने के लिए रेडी हैं, तो मैं कल तक पैसों का जुगाड़ करता हूं, फिलहाल आज के लिए तुम लॉस सैंटोस ही रुक जाओ। तो चलो यार अभी फिलहाल जल्दी से मैं निकलता हूं, देखते हैं अभी मुझे क्या करना चाहिए। भाई मेरे को तो अभी इस टाइम पर सिर्फ लेस्टर याद आ रहा है क्योंकि वही एक बंदा है जो कि क्विक पैसों का जुगाड़ करा सकता है। वैसे मैं सोच रहा था कि हम लोग इसके मुंह पे फेक कैश ला के मार देते हैं बट नहीं भाई, ये लिबर्टी वाले बंदे बहुत खतरनाक होते हैं, देखने में ऐसा लगता है कि दो दो सिक्योरिटी गार्ड लाए हैं बट ऐसा होता नहीं है।
भाई पता चला इनकी पूरी की पूरी आर्मी इनके साथ आई और हमें अलग ही लपेट डाले। फिलहाल जो अपना फ्रेंड है गाइस वो यहीं पर रुकने वाला है क्योंकि उसको शायद इससे पता नहीं क्या ही बात करनी है, बट अभी हम लोग निकल लेते हैं। और ये जो आप गोल्ड की रॉल्स रॉयस देख पा रहे हो ना नॉर्मल वाली, ये भी शायद से इसी की है और ये अपने कार्गो प्लेन में लेकर आया है। भाई अलग ही बंदा है यार ये, बिल्कुल एकदम ही अलग है। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग अपनी लिमोसिन लेकर निकल लेते हैं सीधा लेस्टर के पास। पहले मैं एक काम करता हूँ, घर जाता हूँ, मुझे ये गाड़ी भाई नहीं चलानी, ये बहुत ज्यादा थकावट गाड़ी है। इसको चलाने में ना भाई नींद से आ जाती, इतनी ज्यादा स्लो चलती है कार, मतलब टैक्सी वाले भी हमसे आगे निकल रहे हैं भाई, क्या ही दिन आ गए। तो गाइस यार देखो, वैसे मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि हम लोग ना अपनी एक काम करते हैं, सारी गाड़ियां मीन्स अपने पास जितनी भी गाड़ियां ना बुगाटी डी वो सारी की सारी गाड़ियां हो गई, उन सभी गाड़ियों को बेच देते हैं और उसके बाद जो पैसा आएगा ना उन पैसों को ले जाकर इस बंदे को मैं दे देता हूँ, फिर ये सारी गाड़ियां हम लोग ले लेंगे। उसके बाद जब अपना नया शोरूम बन जाएगा तो उस शोरूम में हम लोग वो गाड़ियां ले जाकर बेचेंगे, फिर उसके बाद सीधी सी बात है अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और पैसे आने लग जाएंगे, फिर तो हम लोग जो मन चाहे वो कार खरीद सकते हैं। मेरे को ना यार देखो अभी उतना लिबर्टी का सीन मालूम नहीं है कि कैसे वहां पर जाकर किन बंदों से गाड़ी खरीदी जाए जिसकी वजह से हमारे साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लिबर्टी चले जाए और सस्ते के में गाड़ी खरीदने के चक्कर में पूरा स्कैम हो जाए हमारे साथ और हमें कुछ भी ना मिले और सारा पैसा ही वेस्ट हो जाए। फिलहाल छोड़ो वो बात की बात है, बट मैं तो वैसे नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी गाड़ियां बेचूं, स्पेशली लैम्बोर्गिनी सियान, क्योंकि भाई वो सबसे ज्यादा फेवरेट कार है। देखते हैं भाई अगर लेस्टर की तरफ से जुगाड़ हो पाता है तो ठीक है, वरना हमें अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो डील दे रहा है ना भाई ये मैं कुछ भी करके अपने हाथ से जाने नहीं देता हूं। फिलहाल पहले जल्दी से हम लोग लेस्टर के पास चलते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी लीवो लेकर सीधा लेस्टर के सीक्रेट वेयर हाउस में पहुंचने वाला हूं। फिलहाल मैंने उससे बीच रास्ते में कॉल करके पूछा था कि मुझे ना इस टाइम पर बहुत ज्यादा अर्जेंट पैसों की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं से अगर जुगाड़ हो जाए तो भाई बता दियो। तो वो कह रहा है जल्दी से वेयर हाउस पहुंचो, एक बहुत तगड़ा प्लान है, जो कि मतलब वो हमें कॉल करने ही वाला था वैसे थोड़ी देर में, बट सही हमने उससे पहले कॉल कर दिया। अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं आखिरकार लेस्टर ऐसा कौन सा प्लान बनाकर बैठा हुआ है। फिलहाल के लिए मैं अपनी गाड़ी यहीं पर साइड में पार्क कर देता हूँ, जब यहाँ से निकलने लगेंगे तो मैं अंदर नहीं ले जाऊँगा क्योंकि यार ये गाड़ी यहाँ पर नहीं खड़ी करनी, खाली पीली यहाँ पर डेंट वगैरह आ जाएंगे, इसको ले जाकर हम लोग अपने मतलब घर पे ही खड़ी करेंगे, वहीं पर ये जो गाड़ी है एकदम सेफ रहेगी। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं हम लोग सीधा इस वेयर हाउस के अंदर और बात करते हैं लेस्टर से कि आखिरकार उसने क्या प्लान बना रखा है पैसा इकट्ठा करने के लिए। फिलहाल गाइस वो देखो सामने की तरफ में ट्रेवर फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया, भाई तीनों लोग यहाँ पर जिम करने में लगे हुए हैं। जब से लेस्टर ने ये वाला सीक्रेट वेयर हाउस लिया है ना भाई, इन तीनों का तो मेन अड्डा ही यही बन चुका है, हमेशा यहीं पर मिलते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेवर फ्रैंकलिन को भी इस टाइम पर भाई शौक चढ़ गया है बॉडी बनाने का अंडरवाटर माफिया को देखकर। और ये बैठा लेस्टर और उसकी फ्रेंड, तो पहले हम लोग इनसे बात करते हैं और देखते हैं आखिरकार क्या सीन है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि इन लोगों ने ना एक बहुत तकड़ा प्लान बनाया है एक बैंक में चोरी करने का, बट उस प्लान को हमें पूरा सक्सेसफुल बनाने के लिए चार पांच चीजें करनी पड़ेगी, वो भी शाम होने से पहले, वरना कल तक करेंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क है। तो यार देखो लेस्टर कह रहा है कि हमें ना एक टैक्सी ड्राइवर चाहिए होगा। पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग कौन से बैंक में चोरी करने जा रहे हैं। आप लोग को याद होगा काफी टाइम पहले हम लोगों ने पैसिफिक बैंक में चोरी करा था, तो कुछ उसी टाइप का एक और बैंक है जिसका नाम है लॉम बैंक और उसके बेसमेंट में जो उसका वॉल्ट है और उस वॉल्ट में मींस उस लॉकर में बहुत सारा गोल्ड और कैश रखा हुआ है जिसे वहां से चुराना यार बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यार लेस्टर तो कह रहा है भाई बिल्कुल इंपॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके से जिस ने उस वॉल्ट के लॉक को बनाया ना वो खुद एक बहुत बड़ा हैकर है, तो सीधी सी बात है भाई उसने बहुत तगड़े तरीके से उसे लॉक करा होगा। फिलहाल ये जो लेस्टर की फ्रेंड है ये काफी देर से कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से वो क्रैक हो जाए। आप लोग यहां पर देख पा रहे हो इसने अलग अलग तरीके से की कार्ड बनाया है बट इनमें से अभी तक एक भी काम नहीं कर रहा है, तो चलो यार इसको कोशिश करने देते हैं। फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि अगर हम लोग उसके तरीके से चोरी करेंगे तो अपनी चोरी एकदम बढ़िया होने वाली है। तो लेस्टर कह रहा है कि एक बंदा है जो कि इस वॉल्ट को हमेशा खोलता है और बंद करता है और वो बंदा वहां उस बैंक मेन बंदा है, बट लेस्टर कह रहा है कि हमें ना कुछ भी करके उस बंदे को ना पहले पकड़ना होगा बैंक के बाहर, क्योंकि जब तक वो बैंक के अंदर है ना वो किसी भी टाइम पर वो अलार्म दबा सकता है और अलार्म दबाते ही वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आ जाएगी, पूरे बैंक में स्मोक फैल जाएगा जिसकी वजह से हमें कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाएगा और हो सकता है उस बैंक के सारे एग्जिट गेट भी बंद हो जाए, तो हम लोग उसके अंदर फंस सकते हैं और फिर पुलिस आके हमें पकड़ के ले जाएगी। और आप लोग को तो पता ही है इस टाइम पर जो पुलिस है वो अपने हाथ में नहीं है, मिलिट्री कैनल दूसरा आ चुका है, तो हमें इस काम को काफी ज्यादा सेफली और
बहुत तगड़े तरीके से करना होगा, तो प्लान लेस्टर ने मुझे पूरा बता दिया है और अभी फटाफट से हम उस प्लान को करने के लिए निकल रहे हैं। तो लेस्टर कह रहा है सबसे पहले ना हमें जाना है सीधा टैक्सी वालों के वहां और डाउनटाउन कैब जाकर हमें वहां से एक टैक्सी लेनी है और टैक्सी ड्राइवर बन के अगले दिन सुबह सुबह हमें उसके घर के बाहर जाना है उसे पिक करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा बैंक के लिए टैक्सी लेकर ही निकलता है और हम लोग उसको अपनी टैक्सी में बैठाएंगे और उसके बाद उसे ले जाकर बीच रास्ते में एक जगह पर टॉर्चर करेंगे। मीन्स ये लोग ना सीधा उसको गंदी तरह घेरने वाले हैं। प्लान सब कुछ ओके है, लेस्टर ने इन तीनों को सब कुछ समझा रखा है, बट सबसे पहले गाइस अभी हमें जल्दी से निकलना होगा उस टैक्सी का जुगाड़ करने और थोड़े बहुत कपड़े भी मुझे वैसे चाहिए होंगे कि हाँ भाई थोड़ी टैक्सी ड्राइवर वाली लुक आए और ये काम अपना 100% पास होना चाहिए और वैसे मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर हमने उस बंदे को ढंग से टॉर्चर कर दिया, मीन्स अगर उसको हमने अपने प्लान में फंसा दिया ना, तो कल की जो चोरी है वो बहुत ज्यादा आराम से हो जाएगी, क्योंकि हम लोग उस बैंक में ना जिस रास्ते से घुसने वाले हैं वो रास्ता भी लेस्टर ने पूरा सॉर्ट कर रखा है। मतलब ऐसी एंट्री होने वाली है किसी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला कि हम लोग बैंक के अंदर आए कहां से, बट हम लोग एग्जिट मेन गेट से ही करेंगे और मास्क वास्क सब कुछ लगे रहने वाला है। फिलहाल ये आरआर के ना एक तो गेट भी ढंग से बंद नहीं होते, ठीक है इस बारी गेट बंद हुआ है। तो वैसे यार मैं इस गाड़ी को लेकर कहां पर ही जाऊंगा, इतनी ज्यादा लंबी गाड़ी है, पहले से घर पर जाके पार्क करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे अपनी वहां से गाड़ी लेकर डाउनटाउन कैब जाना पड़ेगा, काफी टाइम खराब होगा। एक काम करता हूं इसको ना मैं अंदर ले जाके पार्क कर देता हूं, सेफ भी रहेगी और अंदर अंडरवाटर माफिया की भी बाइक खड़ी हुई है उसको लेकर हम लोग निकल लेंगे। यार देखो कितनी हैवी कार है, मोड़ने में भी इतनी दिक्कत होती है, बट अगर हम लोग इसकी आगे वाली ब्रेक मार के मोड़े ना तो ये देखो भाई कितने ज्यादा बढ़िया तरीके से जो गाड़ी है भाई मुड़ जाती है। फिलहाल जल्दी से हम लोग इसे अंदर लेकर चलते हैं, पहले मैं गेट खोल देता हूँ यारे वाला ताकि अपना टाइम ना खराब हो और गाड़ी पर डेंट भी ना आए। ठीक है लेट्स गो, ये वाला गेट मैंने खोल दिया है, ये राइट वाला गेट भी खोल देते हैं, ये लॉक तो होगा ना कि पता चला दोबारा से। अबे यार ये कैसे से गेट है, एक मिनट रुको। तो चलो यार फटाफट से अभी हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, हमने दोनों गेट एकदम मस्त तरीके से खोल दिया, अब अपनी गाड़ी पे कोई भी डेंट आने का रिस्क नहीं है। खुल तो ये गाड़ी से भी जाते बड़े यार आपको पता ही है, थोड़ी महंगी कार है इसलिए थोड़ा बहुत तमीज में काम करना पड़ता है। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग इसे आगे से मोड़ते हैं और सेम टू सेम मैं उसी तरीके से मोड़ने वाला हूं ताकि ये आराम से एक ही बार में अंदर चले जाए, वरना भाई दो दो यू टर्न मार के लाने पड़ेंगे। लेट्स गो, फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी सीधा वेयर हाउस के अंदर लेकर आ चुके हैं, तो जल्दी से अभी मैं इसे यहां पर एकदम सेफली पार्क कर देता हूं और फटाफट से जो इंटरवर्टर माफिया के मस्त वाली बाइक है ना इसको लेकर अभी हम लोग निकल लेते हैं सीधा डाउनटाउन कैब के लिए। और अभी हमें वहां से एक टैक्सी का जुगाड़ करना है और एक ड्रेस का जुगाड़ करना है अपने लिए, क्योंकि लेस्टर कह रहा है कि ये जो काम है तुम ही परफेक्टली कर सकते हो, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट से गाइस अभी हम लोग निकल लेते हैं सीधा डाउनटाउन कैब के लिए, वैसे वो जगह यहां से दूर नहीं है, तो गाइस मुझे ना यहां से ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा आगे जाना है वहीं पर डाउनटाउन कैब का एरिया। और भाई अभी तो मैं इस ट्रक में जाकर ठोक जाता और वहीं पर गाइस मतलब मेरे पार्क एरिया में डाउनटाउन कैब का ऑफिस है, वहीं से हमें टैक्सी वगैरह मिलने वाली है। फिलहाल एक बारी ना गाइस मैं इस बाइक को स्टंट मार के देखता हूं कि जो बाइक है कितनी ऊंची व्हीली मार सकती है। ओ भाई 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 बहुत ज्यादा हैवी है भाई ये तो, मतलब बिल्कुल भी उठने का नाम नहीं ले रही। एक और बार ही ट्राई करते हैं, ओके कम स्पीड में उठ जा रही है बट जैसे स्पीड बढ़ रही है वापस से नीचे जा रही है। तो ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली मैं अपनी बाइक लेकर सीधा लॉस सैंटोस डाउनटाउन टर्मिनल में डाउनटाउन कैब के मेन ऑफिस में पहुंचने वाला हूं। बस मुझे आगे वाले घर से अपनी बाइक को लेफ्ट मोड़ना है और अभी ना गाइस बीच रास्ते में मुझे लेस्टर का भी कॉल आया था और वो मुझे कह रहा है कि ना तुम जल्दी से वहां से उस बंदे की पर्सनल टैक्सी मीन उसकी पर्सनल कैब गायब करो और अपनी बाइक लेकर निकलो सीधा पलेटो के लिए। अब क्यों निकलना है वो तो हमें वो बीच रास्ते में बताएगा, और अभी ना जो उसकी पर्सनल टैक्सी है वो हमें गायब करनी है और उसको एक सीक्रेट जगह पर खड़े करना है और वो अंडरवाटर माफिया को भिजवा के उस टैक्सी को उठाकर ले जाएगा अपने लेस्टर के सीक्रेट बेस पे। अब यार देखो ये जो नॉर्मल टैक्सी है ना इससे अपना काम नहीं हो पाएगा, उसकी जो पर्सनल टैक्सी है वो कुछ ऐसी नहीं दिखती है, वो इससे काफी ज्यादा तगड़ी है, मतलब वो एक टाइप से ना आर्मर्ड कार है, लेस्टर ने हमें इतना तो बताया था। और वो कार हमारे कल सुबह काम आने वाली है जब वो बैंक के लिए निकलेगा, उसको उसका मेन ड्राइवर नहीं हम पिक करने जाएंगे। फिलहाल अभी मैं इससे बात करता हूं कि उसकी पर्सनल टैक्सी कहां पर खड़ी है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये फुल में कह रहा है कि तुम क्या करोगे उसकी पर्सनल टैक्सी के बारे में जान के, अगर ये यहां मेन हॉल में बैठा नहीं होता ना या फिर अगर अंदर बंदे ना बैठे होते तो यही मैं इसकी कुटाई लगा देता। फिलहाल मैंने इसको बोला छोड़ो कोई बात नहीं, कोई ज्यादा जरूरी काम नहीं था, क्योंकि अभी एक काम अगर आसानी से हो जाना तो फिलहाल ज्यादा बढ़िया है। और यहां पर तो मेरे को ना ड्रेस व्रेस का जुगाड़ हो जाएगा, वैसे नहीं यार ड्रेस हमारे पास भी है काफी बढ़िया बढ़िया सी जो कि कैब ड्राइवर जैसे ड्रेस है। फिलहाल यार यहां पर भी एक बंदा बैठा हुआ है इससे पूछते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मेरी इससे बात हो चुकी है और ये थोड़ा अच्छा बंदा था, ये कह रहा है कि जो गाड़ी है ना वो तो गैराज में खड़ी हुई है बट आपका वहां पर जाना अलाउड नहीं है। वैसे यार देखो लेसर ने जैसा कि हमें बताया कि इस टाइम पर ना हमें सारे काम चुपचाप से करने हैं, मतलब पुलिस वालों से ना फुल बच के रहना पड़ेगा। तो मेरे पास ना गाइस एक बहुत मस्त आइडिया उस गैराज में जाने का, ये बंदा मुझे
मुझे जाने नहीं देगा, ये सिर्फ यहाँ के जो ड्राइवर है ना उनको भी तभी जाने देता है जब वो अपना कार्ड दिखाते हैं। तो हम कोई ड्राइवर नहीं है ना ही हमारे पास कार्ड है, तो मैंने एक काम करता हूँ गाइस, मेरे पास एक पहले तो मास्क जो पड़ा हुआ है ना उसको मैं पहन लेता हूँ ताकि ये लोग ना मेरी कोई भी गड़बड़ ना कर पाए। फिलहाल दो मास्क है, ये वाला मेरे को ज्यादा सही लग रहा है, तो भी फटाफट से गाइस मैंने मास्क पहन लिया है। मेरे पास ना गाइस एक गैस बॉम्ब है, तो गैस बॉम्ब अगर हम लोग वहां पर, यार दो बंदे ये सामने खड़े हुए हैं, इन बंदों को गाइस पहले मुझे यहाँ से ना भगाना पड़ेगा वरना ये हरकतें कर देंगे। एक सेकंड, ओ हेलो, फटाफट निकल लो यहाँ से चुपचाप। नहीं समझ आ रही ना, चुपचाप से निकलने के लिए तू भी निकल यहाँ से, एक थप्पड़ में ही ढेर हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने मुझे ढंग से देखा भी नहीं होगा, दो चाटे खा लिए, इनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। फटाफट से गाइस ये वाला जो बॉम्ब है ना ये मुझे सीधा अंदर फेंक देना है इस बंदे के मुंह पे, ये थोड़ी देर में अपने आप ही बेहोश हो जाएगा। ओ भैंस की, ये बॉम्ब यहीं गिर गया, उस बंदे ने अच्छा है मुझे देखा नहीं, बॉम्ब अभी अंदर जा चुका उसको। भाई 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 उसे एकदम झटके से चक्कर आ गए हैं, पहले मैं बाहर निकल लेता हूँ ये देखने के लिए कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं है ना यहाँ पे। वैसे गाइस अगर देख भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, यहाँ पर कोई ज्यादा गलत सीन ही नहीं होगा। और वो देखो अंदर की तरफ में जो स्मोक किया है ना वो लग रहा है कि सारा का सारा इस वेंट के थ्रू बाहर निकल रहा है। अब चलो अभी फटाफट से हम लोग भी अंदर चल लेते हैं। ओके, तो सारा स्मोक खत्म हो चुका है, लग रहा है उसके थ्रू ही सारा बाहर निकल गया है। अभी फटाफट से ना गाइस हम लोग गैराज में चलते हैं। लॉक तो नहीं है ना ये वाला गेट, पता चला अपने साथ गलत ही इसका उप है इसकी। यहां गैराज नहीं था, यहां अंदर भी काफी सारे बंदे बैठे हुए हैं। अच्छा हुआ कि मैंने कुछ फायर वगैरह नहीं करा वरना अभी तो गड़बड़ हो जाती। और अभी जो सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं ना उनसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिलहाल यहां पर भी एक बंदा है, इसके तिल तेरी ऐसे की तैसे, यहां पर ये इसी कार का ड्राइवर होगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसकी मैंने रख रख के बजा दिया, किसी ने तो देखा नहीं। भाई ये है वो, ओ भैंस की, अभी भी इसके अंदर जाने का, निकलता क्यों नहीं है भाई, उठ रहा है बार बार ही। एक और खा ले तू, अब उठ मत जाइयो वापस से। ओके, तो गाइस देखो यही है वो कार, कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है भाई। ये टैक्सी मैंने लॉस सैंटोस में कभी नहीं देखी, शायद उसकी पर्सनल होगी। ये पूरी आर्मर्ड कार है इसलिए इतना इसे सेफ्टी से रखा गया है, और ये कुछ स्पेशल बंदों के लिए यूज होती होगी। फिलहाल इस गाड़ी को जल्दी से हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। और अभी ना गाइस मेरे को इसे भैंस के, यहाँ पर पुलिस वुलिस भी आ चले। यार मेरे को लग रहा है कि किसी ने बता दिया है कि यहाँ पर कोई बंदा बेहोश हुआ है। वैसे हमारा नाम तो बिल्कुल नहीं आने वाला क्योंकि सीसीटीवी वगैरह में दिखा नहीं होगा, अगर दिखा भी होगा तो हमारा जो मंकी वाला मास्क है उससे हमारा फेस बच जाएगा। तो इस गाड़ी को ले जाकर मैं किसी सीक्रेट जगह पर खड़ी कर देता हूँ जहाँ पर कोई भी कैमरा वगैरह ना हो, जिसके वजह से हमारी लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। तो ये जगह तो मेरे को बिल्कुल भी सीक्रेट, ओ ओ ओ एक सेकंड भाई, गाड़ी में डेंट नहीं आना चाहिए, थोड़ी सी भिड़िया और रास्ता भी खुल गया, लेट्स गो। ये सही था, डेंट भी नहीं आया और गाड़ी भी हम लोग ने यहाँ से बाहर निकाल लिया है। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी गाड़ी को ना गाइस सोच रहा हूँ कि यहीं पर पार्क कर दूँ। नहीं नहीं नहीं, पीछे काफ़ी ज़्यादा सही गली है, हम लोग अपनी गाड़ी को ना वहाँ पर पार्क करते हैं। जैसे कि मैंने पीछे की जाली तोड़ी है, इधर की भी अभी हम लोग जाली तोड़ देते हैं आराम से। और अब फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं लेकर चलता हूँ और यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। मैं उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं लाऊँ बट मुझे मालूम है यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो भी फटाफट से गाइस ये लोकेशन मुझे लेस्टर को भेजनी है, लेस्टर अंडरवाटर माफिया को यहाँ पर भेजेगा और गाड़ी ले जाएंगे सीक्रेट बेस पर। और अभी फटाफट गाइस मैं निकलता हूं सीधा पलीटो के लिए बाइक लेके। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं भागता भागता वापस से आ चुका हूं उस जगह पर जहां पर मैंने अपनी बाइक खड़ी करी थी। और शायद से गाइस एम्बुलेंस ना उन्हीं दो बंदों के लिए आई थी जिनके चाटे पड़े थे। और अभी ना फिलहाल यहां पर पुलिस भी आ रही है शायद से। भाई ये पुलिस कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो गई है? मुझे गाइस अपनी बाइक को जल्दी से ना यहां से लेकर निकलना पड़ेगा भाई, मैं गलत टाइम पर यहां पे आया था भाई। मतलब आज तो ऐसा साफ दिख रहा है कि जहाँ भी कोई सीन हो रहा है पुलिस तुरंत पहुंच रही है। तो ओके गाइस, लेसन ने ना मुझे एक लोकेशन दी थी जहाँ से मुझे ट्रैवर को पिक करना है और निकलना है सीधा पलेटू के लिए, वो भी साथ में। तो अभी फिलहाल मैं उसी लोकेशन पर पहुंचने वाला हूँ। और साथ ही गाइस बीच रास्ते में मैंने लेसर को कॉल करके पूरा का पूरा सीन पता कर लिया है कि आखिरकार प्लान क्या है, मीन्स हम ये सब जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। वैसे इतना तो पता है क्यों कर रहे हैं, ताकि वो जो हमारी चोरी है वो कुछ इस तरीके से हो जाए कि जो न्यू मिलिट्री कर्नल है उसको भनक तक ना चले। मिलिट्री कर्नल तो बहुत दूर की बात है, हम चाहते हैं कि पुलिस तक को भी नहीं पता चलना चाहिए, चोरी साइलेंटली हो जाए और किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो सीन कुछ ऐसा है कि लेसर ने जो प्लान बनाया बहुत ज्यादा तगड़ा है। हम लोग करने के वाले हैं, हम लोग सबसे पहले जाएंगे पलीटू शेरिफ और वहां पर जाकर जो हाईवे पेट्रोल वाले ऑफिसर्स होते हैं उनकी ड्रेस पहनेंगे और उनकी बाइक हम लोग वहां से चुरा लेंगे। और फ्रैंकलिन है उसके कुछ दोस्त हैं जिनके पास बहुत तगड़ी सुपर कार है, मीन्स दोस्त नहीं है उसी की पुरानी गैंग के बंदे हैं और काफी ज्यादा अमीर है। तो फ्रैंकलिन ना उनके थ्रू एक रेसिंग करने वाला है, उनको लालच देके कि भाई मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। और जब वो लोग रेस कर रहे होंगे और स्पीड को वो मतलब बढ़ा के रखेंगे, मीन्स ओवरटेक करेंगे अलग अलग कार्स को, तो हम एज अ पुलिस ऑफिसर जाकर उनकी गाड़ियां रोकेंगे और उनकी गाड़ियां हमें लीगली तरीके से छीननी है कि उनको ये लगे कि उनकी गाड़ियां पुलिस वालों ने छीनी है। फिलहाल ट्रैवर यहां पर अपना फुल मस्ती करने में लगा हुआ है और उसको यही जगह मिली थी क्या मिलने बुलाने के लिए, जल्दी बाइक पे बैठ। मतलब क्या इससे को पूरा सीन ये है, फ्रैंकलिन यहां से उन्हें लालच दे के रेस करवाएगा और जब वो लोग अपनी गाड़ी को ओवरटेक मारेंगे तो हम लोग एज अ पुलिस ऑफिसर जाकर उनको पकड़ लेंगे और उनको ऐसा बोलेंगे कि भाई अब तुम्हारा चलान होगा, तुम्हें ये जो गाड़ी है
मतलब पुलिस स्टेशन में आके मिलेगी और हम लोग उनकी गाड़ी का किसी गलत जगह पर यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आएगा कि आखिरकार ये सीन करा किसने। उनको लगेगा पुलिस वालों ने करा है और पुलिस वाले आपस में कंफ्यूज रहेंगे। और गाइस आई नो ये जो गाड़ी है ना ये डबल सिंगल सीटर है, बट अभी क्या ही करे भाई, हमारे पास ये जो बाइक है ना, मतलब ये बाइक सिंगल सीटर है बट अभी हम लोग इस पर दो बंदे बैठ चुके हैं, पर कोई नहीं, आगे से अभी हम लोग किसी और बाइक का जुगाड़ या फिर किसी गाड़ी का जुगाड़ करते हैं। वाला गेट मैंने खोल दिया, दो मिनट भाई तो यहीं पर उतर, मैं गाड़ी देख कर आता हूँ जल्दी से। तो चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल ना जल्दी से हम लोग किसी गाड़ी वाड़ी का जुगाड़ करते हैं। यहाँ पर काफी सारी कार्स तो जा रही है बट हम लोग इनसे नहीं छीनने वाले, क्योंकि हमें किसी भी मैटर में आज नहीं पड़ना है। सारा मामला चुपचाप से इजिली क्लियर हो जाए तो ही बेटर है। ऊपर की तरफ में गैराज है इस होटल का, यहाँ से हमें कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी, चुराएंगे हम लोग इसको भी, बट यार ये किसी बंदे की नहीं होगी तो इतनी जल्दी किसी को पता नहीं चलने वाला। जल्दी से गाइस अभी हम लोग ऊपर चढ़ते हैं यहाँ पर। ओ लो भाई साहब कितनी ज्यादा सही कार खड़ी हुई है सामने की तरफ में। फटाफट से गाइस इस गाड़ी को उठाते हैं और जल्दी से निकल लेते हैं सीधा प्लेटो के लिए। और आज में ना गाइस हमें ये सारा काम निपटा देना है और कल से अपनी चोरी स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उन सुपर कार्स को चुरा के उस बैंक के बाहर खड़ी कर देंगे। और हाँ, वैसे मैंने आपको तो बताया नहीं, वो सुपर कार हम लोग चुरा इसलिए रहे हैं ताकि हमें वहां से भागने में ईजी हो। हम लोग जल्दी से चोरी करके फटाफट वहां से निकलने वाले हैं, क्योंकि सीधी सी बात है पुलिस तो आएगी बट थोड़ा सा लेट आएगी ना यार, क्योंकि जब तक हम लोग बैंक में रहेंगे तो हम लोग किसी को कॉल ही नहीं करने देंगे भाई पुलिस वालों का ऐसे कैसे। बट जब हम लोग वहां से चले जाएंगे तो सीधी सी बात है कोई ना कोई तो होगा जो पुलिस को तुरंत ही कॉल करेगा, वैसे सभी करेंगे, कोई नहीं वो बात की बात है। हम लोग गाड़ी से अब तक फरार हो चुके होंगे, हमारे फेस पे मास्क होगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। तो जहां तक है गाइस ये जो चोरी है बहुत प्यार से होने वाली है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा पलेटो शरीफ पहुंचने वाला हूं, बस मुझे थोड़ा सा यहां से आगे और जाना है। बाकी तो आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा है ना, अगर गलती से भी कहीं पर ठुक गई तो बहुत ज्यादा गड़बड़ जाएगी। तो हाईवे अब भाई खत्म हो चुका है तो हम लोग अपनी गाड़ी की स्पीड भी यहां पर कम कर लेते हैं। और ये आ चुका है गाइस पलेटो शरीफ, जहां पर से गाइस हमें दो बाइक का और दो ड्रेस का जुगाड़ करना है अपने लिए। फिलहाल यार ये देखो फ्रंट गेट पर तो यार मैं 100% श्योर हूं पुलिस ऑफिसर खड़े होंगे, इसलिए फ्रंट गेट से मैं अपनी एंट्री नहीं करने वाला। मैं एक काम करता हूं गाइस, अपनी गाड़ी को ना यहीं पर मैं साइड में खड़ा करता हूं और अभी हम ना हम लोग किसी और रास्ते से इस शरीफ के अंदर चलते हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस दो बाइक्स चाहिए और सबसे ज्यादा मेन है वो है ड्रेस, हमें वो दोनों चीज चाहिए होगी। फिलहाल मैं एक काम करता हूं, यहां से कोई ना कोई रास्ता तो होगा अंदर जाने का। ओ भाई अभी मैं सीधा इसकी छत पे आ चुका हूं, अगर कोई ऊपर का रास्ता खुला होगा ना तो अभी हम लोग सीधा अंदर चलेंगे। अभी यहां पर पहले तो मैं चुपचाप खड़े होकर देख लेता हूं कि आसपास कोई भी पुलिस ऑफिसर तो नहीं है ना, मैं अकेले जाऊंगा ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर ट्रैवर साथ में आएगा ना तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है क्योंकि उसने मास्क नहीं लगा रखा है। तो ओके गाइस ये देखो राइट साइड में एक पुलिस ऑफिसर तो यहां पर भी खड़ा हुआ है, सही है कि इसने मुझे देखा नहीं, वरना तो यार अभी बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाती। मैं काम करता हूं गाइस पहले हम लोग यहां से नीचे उतर लेते हैं, वरना तो कोई भी हमें दूर से देख सकता है। तो एकदम प्यारी सी मैं ऊपर से जंप मार लेता हूं और ये रही गाइस यहां पर बैक साइड की एंट्रेंस। चलते हैं गाइस सीधा भी हम लोग अंदर और देखते हैं कि आखिरकार मेन रूम कहां पर है जहां पर इन सभी पुलिस ऑफिसर्स की ड्रेस रहती है। मुझे कोई ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक ड्रेस चाहिए। फिलहाल ये तो भाई यहां से एग्जिट है, इधर नहीं जाना, वहां पर पक्का कोई ना कोई होगा भाई, कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर तो वहां पर होगा। और मैं बेमतलब में फंसना नहीं चाहता किसी से। और ये वाला रूम, अरे यार ये तो टॉयलेट है, ये भी टॉयलेट ही होगा जहां तक मुझे लग रहा है। भाई मुझे टॉयलेट्स में नहीं जाना, ये ऊपर वाला फ्लोर किधर को जा रहा है एक बारी, भाई मेरे को मेन वो वार्डरोब वाला रूम मिल जाए ना अपना काम हो जाएगा। और भाई ऊपर तो वही वाला पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है भाई, जिसको देख के हम लोग नीचे कूदे थे। तो मेरे हिसाब से वो जो दूसरा वाला रूम है ना वही शायद से इनका वार्डरोब वाला रूम हो सकता है। और हाँ गाइस यही रूम है, बट अंदर की तरफ में ना एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है, हमें पहले इसको मारना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ ट्रैवर को भी बुला लेता हूँ। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने ट्रैवर को बोल दिया है रास्ता क्लियर है, जल्दी से तू जाली टाप कर आ जा, हमें पहले बस एक पुलिस ऑफिसर को टपकाना पड़ेगा, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। तो तू बस बाहर रुक, इसको तो मैं अकेले टपका दूंगा अगर ये अकेला हुआ तो। भाई मामला पूरा शांत है। सर 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 उसको शीशे में देख सकता है वो, मेरे को एक मिनट रुक जाओ, शीशे में मत देखो, चल तेरी ऐसे की तैसे निकल यहां से, इसको बहुत गंदा वाला ही ढेर करा है। वो शांति से अपना काम हो गया। तो फटाफट से गाइस मैं पहले अपने कपड़े बदल लेता हूँ, चल तू भी अंदर ही आ जा, दोनों एक साथ ही कपड़े बदल लेते हैं। तो ओके गाइस जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल हम दोनों लोग ने हाईवे कॉप की ड्रेस पहन लिया है और इस टाइम पर जो अपनी लुक है वो भी काफी ज्यादा तगड़ी आ रही है और सिर पर हमने हेलमेट भी लगा लिया है ताकि हम लोग किसी भी कैमराज वगैरह में ना आ पाए। फिलहाल ट्रैवर तो यार बिना किसी मास्क वगैरह के यहां तक भागता हुआ आ गया था। अच्छी बात तो यह है कि यहां पर कोई भी कैमरा लगा हुआ नहीं है, जिस वजह से हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। फिलहाल जल्दी से गाइस अभी हम लोग अपनी बाइक लेकर निकलने वाले हैं सीधा उस जगह पर जहां पर से फ्रैंकलिन रेस करता हुआ आएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मींस जहां से उन लोग की गाड़ी निकलने वाली है। तो लेसन ने बोला कि जल्दी से तुम लोग वहां पर पहुंचो। और ये ट्रैवर कौन से रास्ते से जा रहा है यार, उसने हमें लोकेशन तो दूसरी दी है। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसी के साथ चलते हैं क्योंकि वो जो जगह पर हमें जाना है वो ट्रैवर का गाँव है, तो जिस भी रास्ते से जाएंगे वो लॉन्ग कट ही बनने वाला है। फिलहाल जल्दी से पहुंचते हैं। इतनी धीरे क्या चला रहा है भाई, भगाना बाइक को। तो ओके गाइस
जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बिना फिलहाल हम लोग अपनी बाइक्स को फुल स्पीड में शॉर्टकट रास्ते से भगाते भगाते सीधा उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर हमें लेस्टर ने जाने के लिए बोला था। फिलहाल ड्राइवर भी भाई काफी तगड़ी चला रहा है बाइक। बड़े एक सेकेंड, अभी ना मैं एकदम मस्त शॉर्टकट मारने वाला हूँ इसको पीछे करने के लिए। वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में रॉन्ग वे तो नहीं, मैं बिल्कुल सही आऊँ, ये वही तो रास्ते में बेमतलब क्यों कन्फ्यूज हो रहा हूँ। तो हाँ गाइस, अभी फिलहाल हमें यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाना। और अभी अभी ना गाइस हमें फ्रैंकलिन का भी कॉल आया था, वो कह रहा है कि वो ना अपने फ्रेंड्स को लेकर रेस स्टार्ट कर चुका है, उन्हें बस 5 से 6 मिनट लगेंगे इस जगह पर पहुँचने में लॉस सैंटोस से। तो फटाफट से हम लोग भी अपनी पोजिशन पर पहुँच कर रेडी हो जाते हैं क्योंकि वो लोग कभी भी आ सकते हैं। और वैसे भी हम लोग पहुँच चुके हैं, हमें अभी बस ज़्यादा दूर नहीं जाना। एक बार ड्राइवर को देख लेता हूँ, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ही पीछे रह गया। ओ भाई भाई नहीं, बहुत तेज़ चलाता हुआ आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, आप लोग पहले इसकी स्पीड देख लो और अब मेरी स्पीड देखना, पहले इसको जान दो। वैसे तेज तो चला रहा है ऐसी बात नहीं है, बट अपनी स्पीड एकदम अलग है क्योंकि हम बिना ब्रेक दिए। ओ मैं गलत आ गया क्या? एक सेकेंड, हमें अपनी बाइक को सीधा, यार जो लोकेशन लेस्टर ने दी थी हम नहीं बिल्कुल सही जा रहे हैं, हमें बस आगे से लेफ्ट लेना है। ठीक है। तो यही लोकेशन गाइज हमें लेस्टर ने दी थी, हमें बस यहाँ से अपनी बाइक को राइट मोड़ना है, देन यहाँ से लेफ्ट मोड़ना है। तो गाइज वैसे ना इन रोड पर स्पीड लिमिट सिर्फ और सिर्फ 25 की है और हम लोग इतनी तेज भगा रहे हैं ना भाई पूछो मत। फिलहाल ड्राइवर भी यहाँ पर पहुंच चुका है, हमें ना वैसे अब जाना तो सीधा सामने की तरफ में ही है, बट अगर रॉन्ग वे भी चले जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर तो पूरी घुमा के लाएगा आगे से, मैं तो सीधा उधर से घुमा कर ले आऊँ। तो हमें ना गाइस यहीं पर खड़े होकर वेट करना है क्योंकि उसने बोला है फ्रैंकलिन ने कि वो बस थोड़ी देर में यहीं से निकलने वाला है। तो यहीं पर मैं खड़े हो जाता हूँ, ड्राइवर भी अपनी बाइक घुमा के ला रहा होगा, तो मुझे थोड़ा बहुत वैसे सामने से आ सकती थी बट इधर ना रेड लाइट नहीं है, सिर्फ यू टर्न मार सकते हैं, डायरेक्ट सीधी नहीं ला सकते, तो ड्राइवर को बेचारे को घुमा के लाने पड़ेगी। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मुझे सामने से वो ड्राइवर की बाइक आते हुए नजर आ रही है। चलो गाइस, अभी फिलहाल ड्राइवर भी यहाँ पर आ चुका है और ये कभी भी संभाल के गाड़ी नहीं चलाएगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल लाके ठोक दिया है, अभी हमारा मेन काम वो नहीं है, हमें बस यहाँ पर खड़े होकर फ्रैंकलिन की कॉल का और उसके आने का वेट करना है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मुझे फ्रैंकलिन का कॉल आ गया, जल्दी से अभी हमें निकलना पड़ेगा भाई, हम तो यहाँ पर आराम से खड़े होकर बर्गर वगैरह खा रहे थे। और ये देखो गाइस, ये गई इनकी सारी की सारी सुपर कार्स और वो जो सबसे पीछे वाली गाड़ी है ना रेड कलर की, वो फ्रैंकलिन की है। और इस टाइम ना गाइस हम लोग इनको फुल एकदम पैनिक करने वाले हैं कि इनके पीछे अब पुलिस पड़ चुकी है, ये तीनों रेस कर रहे थे, मतलब उन दोनों को जो जिनके में मेन गाड़ियां चुरानी है, उनको ये नहीं मालूम कि फ्रैंकलिन हमारे साथ मिला हुआ है। फिलहाल यार ये तो तीनों लोग ही बहुत ज्यादा तेज अपनी गाड़ियां भगा रहे हैं भाई, कसम से फ्रैंकलिन की ड्राइविंग यार बहुत ज्यादा ही तगड़ी है। वो देखो गाइस, एक जो गाड़ी आगे नीले कलर की जा रही है और एक जो लेफ्ट वाले रोड पर ऑरेंज कलर की जा रही है ना, हमें इन दोनों गाड़ियों को पकड़ना है, बट काफी ज्यादा मुश्किल है भाई, बहुत तेज भगा रहे हैं। हमने इस टाइम पर अपने सायरन वायरन बजा दिए ना कि पुलिस इनके पीछे पड़ चुकी है, तब से तो भाई वो दोनों और तेज भगा रहे हैं। और फ्रैंकलिन भी इस टाइम पर ऐसे भागने की एक्टिंग कर रहा है कि जैसे इनके पीछे सच्ची में पुलिस पड़ गई हो। फिर भाई हम तो इन्हें पकड़ ही नहीं पाएंगे यार, ये अपने साथ स्कैम हो जाएगा। लेस्टर ने हमें साफ साफ बोला था ये प्लान कुछ भी करके एकदम सक्सेसफुल होना चाहिए। ये गाड़ियां हमें चाहिए, आप लोग देख ही पा रहे हो भाई कितनी तेज भाग रही है, पकड़ के तो मैं नहीं रहूंगा, जब ट्रैफिक आएगा ना तो इनको अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी, वरना तो भैया ये लोग ठुके। भाई साहब मेरी तो भाई अभी जान में जान निकल गई, मुझे लग रहा था नीले वाला बंदा जाएगा, पर फिर भी यार इसने बहुत तगड़े तरीके से अपनी गाड़ी को निकाल लिया है। बस बस बस, आगे थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा होगा ना तो हमारी बाइक निकल जाएगी, बट इनकी गाड़ी नहीं निकल पाएगी भाई, मेरे को खुद ही नहीं ठुकना है क्योंकि इस टाइम अगर मैं ठुका तो भाई कोई मौका नहीं है। प्लीज़ 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 भाई, फ्रैंकलिन भी एकदम सही चला रहा है, ट्रैवर भी पीछे ही, ऐसी बात नहीं है, ट्रैवर भी बहुत तेज भगा रहा है। बट ये देखो गाइस बगल, भाई ट्रैवर तो हमें भी ओवरटेक कर गया यार। एक सेकेंड, अभी मैं ट्रैवर को दिखाता हूँ, भाई ट्रैवर भी हमसे तेज भगा रहा है, हम सबसे पीछे हैं और वो दोनों सबसे आगे हैं जिनकी हमें सुपर कार सही है। ये सही मौका है, यहाँ पर पतला रोड है, यहाँ पर हम लोग इन्हें निकाल सकते हैं, बट मुश्किल है यार, निकालो निकालो, फ्रैंकलिन भाग भगा भगा भगा। ओके भी ट्रैवर ने कमांड दे दी, रुक जाओ वरना बहुत बुरा कूटोगे, और उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। लेट्स गो, थोड़े अच्छे बंदे लग रहे हैं मेरे को, चुपचाप से अभी हमें चलना है और उनको गाड़ी से बाहर निकालना है पहले तो सीधा। ओके फ्रैंकलिन पूरी एक्टिंग कर रहा है। ओके तो फ्रैंकलिन ने इस ड्राइवर उससे मजे ले रहा था। ओके तो फिलहाल इन दोनों की गाड़ी गाइस अभी हमें यहाँ से लेकर जानी है। ओके तो अभी ड्राइवर इन्हें साफ बोल रहा है तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे तो इसीलिए अभी तुम्हें गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके निकाल दिया गाड़ी से बाहर, अब ये दोनों गाड़ियां हम लोग लेकर यहाँ से निकलने वाले हैं। ओके भाई साहब, वो जो बंदा है ना आगे वाला, वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा, और ड्राइवर बंदों से मजे क्यों ले रहा है भाई, ये गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा। एक मिनट रुक जाओ,
माइकल ने फुल खुंदक में आके से निकाल दिया है और टाइम आ चुका है गाइस इन लोग की गाड़ी यहाँ से लेकर निकलने का। भले ही इन्होंने हमारी शक्ल देख दी हो बट इनके लिए तो ये रहेगा कि इनकी गाड़ियाँ पुलिस वालों ने चुराई है ना कि और किसी ने। तो गाइस फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। हमें इन गाड़ियों को ना सीधा ट्रैवर के बेस पे ही ले जाकर खड़े करना है। लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल हम तीनों लोग अपनी सुपर कार्स को लेकर सीधा उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर हमें लेस्टर ने जाने के लिए कहा था। मींस लेस्टर ने हमें कहा था कि तुम तीनों लोग अपनी गाड़ी को इधर ले जाकर खड़े कर देना चुराने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम लोग चोरी करने निकलेंगे उस बैंक में तो लेस्टर अंडरवाटर माफिया के थ्रू इन तीनों गाड़ियों को बैंक के मेन गेट पर लगवा देगा। मींस मेन तो ये दो गाड़ियां हैं और वो देखो भाई ट्रेवर ने तेज चलाने के चक्कर में कहां ले जाकर गाड़ी ठोक दी और फ्रैंकलिन ने भी ठोक डाली। वाओ चलो कोई नहीं, इनको पता नहीं है भाई गाड़ी किधर लाकर खड़ी करनी थी, पार्किंग इधर है, ये लोग वहां घूम रहे हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन ने अपनी गाड़ियां भी लाकर पार्क कर दिया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग इस बगल वाली रॉल्स रॉयस, वैसे ये रॉल्स रॉयस नहीं है ये सुपर डायमंड है कार का नाम, बट ये दिखती बिल्कुल रॉल्स रॉयस फैंटम जैसे ही है। तो फटाफट से ना गाइस इस गाड़ी को भी हम लोग लेकर निकल लेते हैं सीधा लेस्टर के घर पर। मींस अभी हम लोग उसके सीक्रेट वेयर हाउस में नहीं जाने वाले। और ये कैसी जगह भाई, मुझे लग रहा था यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है बट ये यूटर्न लेने के लिए और पार्किंग करने के लिए इधर इन्होंने बना रखा है। एग्जिट यहाँ की इसी साइड पर है। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं सीधा लेस्टर के घर पर। अब मुझे ये नहीं मालूम कि उसने अपने घर पर हमें क्यों बुलाया, बट उसने कहा था कि हाँ उसने वो वाला जो वेयर हाउस है ना उसको बंद कर दिया है, तो तुम लोग सीधा घर पर आना, आगे की प्लानिंग बताएगा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हमें वो बताएगा। तो ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा लेस्टर के घर पर। बस मुझे इस वाले घर से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है। और यार अभी ना पूरी शाम भी बीत चुकी है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 घंटे हैं और रेस्ट करने के लिए। और कल हमें निकलना है सीधा एक बड़े बैंक की हाइस्ट पर। तो फिलहाल अपनी गाड़ी को ना हम लोग यहीं पर पार्क कर देते हैं। एक तो यार लेस्टर के घर में ना गैराज वगैरह नहीं है, ऊपर से रोड भी इतना ज्यादा पतला है ना कि अगल बगल गाड़ी लगा दो तो भाई दिक्कत ही हो जाए। बंदा अगर ट्रक पर लेके आ जाए ना तो निकल भी नहीं पाएगा। तो वैसे यहाँ पर थोड़ा सा जगह है तो यहीं पर हम लोग अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। बट गेट भी तो नहीं खुलेगा, तो इसको भाई नीचे यहाँ पर बगल वाले के घर के सामने लगा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो हाँ ये एकदम सही है, उसके गेट के एकदम आगे ही मैंने अपनी गाड़ी लगा दी। चलो यार अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा घर में और लेस्टर को बताते हैं कि तीनों गाड़ियों का इंतजाम हो गया है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। अब बस हमें ये बता कि हमें उस बैंक के अंदर घुसना कैसे है, क्योंकि मैंने उससे अभी तक ये नहीं पूछा। फिलहाल वो देखो भाई साहब सामने की तरफ में अंडर वाटर माफिया यहाँ पर लगा पड़ा भाई फुल एकदम पंचिंग बॉक्स पर घूसे मारने में। भाई साहब कल ये चोरी पे हमारे साथ चलने वाला है बट मेन काम हमारा है, बस इसका काम है गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचना। चलो कोई नहीं यार, जो भी हो अंडर वाटर माफिया भाई सच्ची में बहुत ज्यादा तगड़ा बंदा है, एकदम एंड टाइम पर काम आ जाता है कुछ भी कहो। फिलहाल ये रहा लेस्टर और इस टाइम से शायद ये सीसीटीवी फुटेज देख रहा है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और यार ये कह रहा है कि अभी ना तुम सब लोग फटाफट से सो जाओ क्योंकि कल हम सबको बहुत जल्दी उठना है। आप लोग को पता ही होगा कि कल मैं एक टैक्सी ड्राइवर बन के उस बंदे के घर के बाहर जाने वाला हूं उसको पिक करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग उसे पिक कर ले जाएंगे एक ऐसी सीक्रेट लोकेशन पर जहां पर कोई भी आता जाता ना हो और फिर वहां पर हम लोग उसे दबा के टॉर्चर करेंगे ताकि वो हमारे प्लान में मींस उस चोरी में हमारी हेल्प करे और कोई भी छोटी मोटी गड़बड़ ना हो, सारा काम आसानी से हो जाए। वैसे यार देखो पुलिस को तो पता चल ही जाएगा बट हम लोग वहां से चले जाएंगे तो पता चल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हमारे वहां पर रहते किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बट अभी ना दिक्कत की बात यह, आपको पता होगा कि भाई इस टाइम पर ये लोग तो अपना मास्क लगाकर जाएंगे, इनको मेन टॉर्चर करना है, बट मुझे टैक्सी ड्राइवर बनकर जाना है तो मैं अपना मास्क नहीं लगा सकता, इसीलिए मैं फेक बियर्ड मींस पूरा फेक मेकअप कर हम लोग वहां पर जाएंगे और पूरा टैक्सी ड्राइवर बनके जाएंगे। और इस टाइम पर भाई ड्राइवर अपना सो गया है सोफे पर और भाई फ्रैंकलिन बेस वाले बेड पर सोने चला गया है। चलो कोई नहीं, हम लोग थोड़ा बेड पे ही रेस्ट कर लेते हैं। अंडरवाटर माफिया तो मेरे हिसाब से वो भी सो ही जाएगा, अभी तो फिलहाल वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मुझे सोते सोते सुबह हो चुकी है और सही है कि गाइस मैं 8 बजने से पहले उठ चुका हूं क्योंकि गाइस मुझे ना उस बंदे को लेने के लिए निकलना है। उसका ऑफिस जाने का टाइम भाई 7:30 या 8 बजे के बीच का ही है, नहीं 7:30 बजे वो घर से निकलता है और 8 बजे तक उसे ऑफिस पहुंचना होता है। सही है कि गाइस मैंने रात में ही कपड़े बदल लिए थे, आप लोग यहां पर देख पा रहे हो थोड़ी बहुत जो लुक है ना, मतलब पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गया। मैंने चश्मा भी एकदम डिफरेंट लगा लिया है, बाल भी एकदम पूरे अलग तरीके से सेट कर लिया है और ये बियर्ड भी यहां पर फेक लगा लिया है। फिलहाल लेस्टर तो नहीं सोया था और अभी गाइस हम लोग जल्दी से निकल लेते हैं सीधा उस जगह के लिए, मींस उसको पिक करने के लिए उसके घर पर। लेस्टर ने मुझे मेरे मोबाइल पे लास्ट नाइट ही लोकेशन दे दिया है और अंडरवाटर माफिया देखो भाई सुबह उठते ही दोबारा से प्रैक्टिस करना इसने स्टार्ट कर दिया है और हमारे लिए रात में इसने गाड़ी लाकर यहां पर खड़ी कर दी थी, जो गाड़ी हमने उस टैक्सी मींस डाउनटाउन कैब के टर्मिनल से जो चुराई थी। फिलहाल अभी जल्दी से
लोग उसके घर की तरफ निकल लेते हैं। इस टाइम पर गाइस टाइम मेरे हिसाब से 6:30 बज रहे हैं और मुझे आधे घंटे के अंदर उसके घर पर पहुंचना है। पहले पहुंच जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लेट हो गए ना तो थोड़ा बहुत सीन हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं, कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। और ये लोग जो है गाइस ये किसी दूसरी जगह पर हमें मिलने के लिए बुलाने वाले हैं। मीन्स ये लोग इस टाइम पर पूरा रेडी होंगे उस बंदे को खतरनाक तरीके से टॉर्चर करने के लिए, ताकि वो हमारी पूरी बात माने। तो अभी ना करेक्ट 7 बज रहे हैं और मैं अपनी टैक्सी लेकर उस बंदे के घर के बाहर पहुंचने वाला हूं। और अच्छी बात तो ये है कि गाइस हम लोग टाइम से पहले पहुंच रहे हैं। मतलब यार पहले पहुंच जाओ ठीक है, टाइम 7:30 का था, हम लोग 7 बजे पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेट हो जाते तो दिक्कत हो जाती। फिलहाल इस वाले कट से मुझे अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है और उसके घर का एड्रेस मुझे लेस्टर ने बता दिया था। और वैसे भी इस टैक्सी में पूरी इन्फॉर्मेशन आते रहती है कि कब कितने बजे किसको कहां पर लेने जाना है। तो यही है गाइस वो जगह जहां पर मुझे उसे लेने आना था, वो रहा सामने पिकअप पॉइंट। हम लोग यहीं पर अपनी गाड़ी पार्क कर लेते हैं ताकि वो जल्दी से आए, हमारी गाड़ी में बैठे और हमारे साथ पिटने के लिए चले। फिलहाल ये जो जगह है ना भाई काफी ज्यादा सही है, मतलब एकदम शांत एरिया, यहाँ पर भी हमें कोई देख नहीं पाएगा। हमें सीधा उसे उस जगह पर लेकर जाना है जो लोकेशन हमें लेसर ने दी है। तो गाइस देखो बिना फिलहाल मुझे यहाँ पर वेट करते करते पूरा आधा घंटा हो चुका है और इस टाइम पर टाइम हो रहा है 7:31। मतलब यार 1 मिनट ज्यादा हो गया बट अभी तक वो बंदा आया नहीं। चलो कोई नहीं, फिलहाल ओके तो शायद से यही वो बंदा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके कपड़ों से तो मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई ये बैंक वाला बंदा ही। और गाइस ये वही है, ये टैक्सी अपने आप ही पहचान गया है और फटाफट से गाइस अपनी टैक्सी में आकर बैठ चुका है। तो जल्दी से ना गाइस अभी हमें इसे बैंक छोड़ने के लिए निकलना है। वैसे गाड़ी ना मैं तमीज में चलाता हूँ, रॉन्ग वे नहीं चलाने वाला, क्योंकि भाई ये फिर हमारे ऊपर शक करने लग जाएगा। मतलब अब तो शक भी कर ले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ी समझ लो मैंने अंदर से पूरी लॉक मार दिया है। अभी कोई भी गेट खोल के खुद से गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकता है जब तक मैं ना चाहूँ। फिलहाल अभी ना जल्दी से हम लोग इसको पहले थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। और अभी ना जो लोकेशन मेरे को लेस्टर ने दी थी कि इसको तुम बस टैक्सी में बैठाकर यहां पर ले आना, उसके बाद टॉर्चर करने का काम उन तीनों लोग का है, मींस फ्रैंकलिन ट्रेवर और अंडरवाटर माफिया का है। वैसे 4 लोगों के, क्योंकि लेस्टर भी तो भाई टॉर्चर करेगा दबा के। तो चलो यार फटाफट से उत्तरी भैंस की, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, देखना कैसे चला रहे हैं गाड़ी एक दूसरे में ही दे मारी। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर सीधा उस जगह पर पहुंचने वाला हूं। और अब ये बंदा कंफ्यूज होने वाला है कि आखिर हम लोग इसको लेकर कहां पर जा रहे हैं, क्योंकि इस कट से मैं अपनी गाड़ी इस गली में लेफ्ट मोड़ूंगा और आगे वाले कट से दोबारा लेफ्ट मोड़ के बाहर निकाल लूंगा। और अभी हम लोग इसको बहुत गंदा कंफ्यूज करेंगे ताकि ये भटक जाए कि इसके साथ हो क्या रहा है और हम लोग इसे किस जगह पर लेकर गए थे। फिलहाल मुझे अपनी गाड़ी पहले यहां से बाहर निकालनी है। हट जा भाई, ये अलग ही यहाँ पर नशे करने में लगा, निकल तेरी ऐसे की तसी। तो फटाफट से गाइस अपनी गाड़ी को हम लोग इस गली में घुसेड़ते हैं, यहाँ से भी हम लोग राइट मार लेते हैं। ये जगह काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है, मीन्स यहाँ पर कोई भी उतना आता जाता नहीं है। और यहीं पर हमें लेस्टर ट्रेवर और फ्रैंकलिन ने आने के लिए बोला था, मुझे नहीं पता वो लोग यहाँ पर उत्तरी भैंस की, वो लोग अभी यहाँ पर पहुँचे ही नहीं है। चलो कोई नहीं, गाड़ी तो लॉक है। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं एक बार ही गाड़ी से बाहर निकल के उनको कॉल कर लेता हूँ। ये बंदा भी सोच रहा होगा कि आखिर ये पागल टैक्सी ड्राइवर हमें कहाँ पर लेकर आ गया। और ये देखो गाइस ट्रेवर उधर से आ चुका है और अभी फिलहाल ट्रेवर ने भाई सीधा भरना शुरू कर दिया। अबे गाड़ी पे नहीं, इसके मारना, रुक जा रुक जा। ओ भैंस की, ये बैंक वाला बंदा तो सीधा इनके मारा, वैसे ज्यादा नहीं मारना हमें, से चुपचाप से भैंस की ठंग, इसने ट्रेवर की दे मारी। ओके भी फिलहाल फ्रैंकलिन भी आ चुका है, चुपचाप से भाई ज्यादा मत मारना, पता चला वो बैंक जाने की हालत में भी नहीं रहा, हमें बस धमकाना है ऐसे ज्यादा भाई, कुटाई उटाई नहीं कर देनी, बस 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 भाई बस करो, हमारी बात वो मान जाएगा इतने में। ओ भाई 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 ज्यादा ही लग जाएगी, उसके बेहोश होश हो जाएगा वो, एक मैं मार देता हूँ, बस 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 कोई मत मारो भाई। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग ने इस बंदे को चुपचाप से समझा दिया है और ये भी थोड़ा बहुत समझदार है, इसलिए हमारी बात एकदम अच्छे से मान गया है। फिलहाल फ्रैंकलिन ने इसके ऊपर एम कर रखा, मत बस गन अंदर कर ले भाई, बेचारा वो कुछ ज्यादा ही डर रहा है। तो हमने इसको साफ साफ बोल दिया, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो सीधी सी बात है हमें तेरा अच्छे से घर भी मालूम है और हमारे पास जो बंदे हैं जो गैंगस्टर हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो सीधा तेरे घर पर पहुंच जाएंगे और जो तेरी फैमिली है उसको भी लपेट डालेंगे। फिलहाल यहां पर आप लोग देख ही पा रहे हो, बेचारा डर के हमारी गाड़ी में आकर बैठ चुका है। और अभी हमने इसे साफ साफ बोल दिया है, उस वॉल्ट को खोल दियो जिसके अंदर वो सारा का सारा गोल्ड और कैश रखा हुआ है बैंक का। फिलहाल अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी इस गली से निकालते हैं, अपना काम बहुत ज्यादा आसानी से एक ही बार में हो चुका है। ये बंदा भी काफी ज्यादा बढ़िया था, इसको गाइस अभी हमें सबसे पहले तो बैंक छोड़कर आना पड़ेगा ताकि ये टाइम से पहुंच जाए। और इतनी पतली गली में गाड़ी घुसेड़ी है ना भाई, मतलब निकालने में भी देख रहे हो कितनी दिक्कत हो रही है, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी कैमराज वगैरह नहीं था। और दिक्कत पता है क्या है कि इस टाइम पर ना देखो भाई, मैं तो अपना पूरा फेस वेस चेंज कर कर आया था इस बंदे के पास, बट ये ट्रेवर और फ्रैंकलिन भाई वैसे ही मुंह उठाकर पहुंच गए और अभी ना इसने उन दोनों की शक्ल देख लिया है। उस टाइम तो ये दिक्कत ना दे यार, बट ये बाद में हमें दिक्कत दे सकता है कि हाँ भाई ये जो चोरी है ये इन्हीं दोनों लोग की वजह से हुई थी। वैसे नाम तो तीनों का लेगा बट हमारी शक्ल जो है उतनी मैच नहीं हो रही अपने पहले वाले फेस से, बट कोई नहीं। अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग निकलते हैं सीधा उस बैंक के लिए इसको ड्रॉप करने। तो ओके गाइस अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर सीधा उस बैंक के पास पहुंचने वाले हैं जहां पर हमें इस बंदे को ड्रॉप करना है। तो गाइस देखो यही है वो लॉम बैंक जहां पर आज हम लोग चोरी करने वाले हैं। फिलहाल अभी हमने इसको यहीं पर ड्रॉप कर दिया है और चुपचाप से
अच्छे बच्चों की तरह जा रहा है बैंक के अंदर, और यहाँ पर लग रहा है बाहर इसके कुछ दोस्त वोस्त भी खड़े हैं। और अच्छी बात तो है कि इसने उनको भी कुछ नहीं बताया। मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये काम बढ़िया तरीके से करेगा। अभी बाद में चलकर हमें धोखा दे तो कुछ भी देखा जाएगा भाई, तब की तो तब देखी जाएगी, बट अभी फिलहाल मेरे को लग रहा है कि हमारे लिए अच्छे से काम करेगा। और अभी ना गाइस हमने लेस्टर को कॉल करके बता दिया कि उतना काम हो चुका है। लेस्टर कह रहा है कि एक जगह है जहाँ पर उसने हमारे लिए हेलीकॉप्टर खड़ा करवा दिया है, तो फटाफट से भी हमें वहां पर पहुंचना है। और मैंने गलती से उसके टक्कर मार दी। उस हेलीकॉप्टर में बैठकर गाइस हम लोग उस लॉन्ग बैंक की छत पर जाने वाले हैं। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ ये बैंक कितना ज्यादा बड़ा है पूरा। कौन सा था बैंक, एक सेकंड, यहां से तो दिख ही नहीं रहा, लग रहा है सामने से दिखेगा। रुक जाओ रुक जाओ, गाड़ी में बैठता हूँ, दूर से दिखा दूंगा। तो ये जो बैंक है ना गाइस, बहुत ज्यादा ही बड़ा है। और जो जहां से मेन पैसा चुराना है वो बेसमेंट है। मेन समय बेसमेंट में जाना होगा। और अगर हम लोग मेन गेट से जाएंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यार आपको पता है मेन गेट पर गार्ड होगा, स्टार्टिंग से ही गड़बड़ हो जाएगी तो समझ लो आगे का काम भी बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला। तो जो आप व्हाइट कलर की बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, वही है लॉन्ग बैंक की। तो अभी हम लोग हेलीकॉप्टर लेकर उसकी छत पे जाएंगे और छत से हम लोग एंट्रेंस करने वाले हैं। जो एलिवेटर वाला एरिया है ना, उसके थ्रू हम लोग रस्सी लटका कर नीचे जाएंगे सीधा फर्स्ट फ्लोर पर, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर, और उसके बाद जाएंगे सीधा बेसमेंट में, ताकि जो बाहर वाला गार्ड है उसको भी ज्यादा कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल अभी यही जगह है जहां पर हमें लेस्टर ने बोला था कि हेलीकॉप्टर इधर ही खड़ा करवाया उसने किसी छत के ऊपर। एक मिनट रुक जाओ, पहले छत ढूंढनी पड़ेगी। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मुझे वो बिल्डिंग तो मिल गई है जिसके ऊपर लेस्टर ने हेलीकॉप्टर खड़ा करवाया, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मैं उसके ऊपर जाऊंगा कैसे, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो वो दिख रही है हेलीकॉप्टर की थोड़ी सी पंखड़ी नजर आ रही है, और ये बिल्डिंग काफी ज्यादा ऊंची भी है। फिलहाल मैं इसके अंदर जाकर इसके ऊपर जा सकता हूँ, बट यार अंदर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। इस टाइम पर हम लोग एक बहुत बड़ी चोरी करने जा रहे हैं, कोई अलग काम नहीं करने जा रहे। तो वैसे पीछे से ओके, तो मुझे लग ही रहा था पीछे से कोई ना कोई एंट्रेंस होगी। तो अपनी गाड़ी का काम खत्म हो चुका है, इसको यहाँ पर पार्क कर देते हैं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से भागेंगे तो वो कार या सुपर कार सा जो कि हमने चोरी करी थी उन बंदों की, और अंडरवाटर माफिया उन गाड़ियों को बैंक के गेट के बाहर पहुंचा देगा। फिलहाल जल्दी से हम लोग इन सीढ़ियों के ऊपर चलते हैं और लेट्स गो गाइस। यही है वो जगह जहां पर हमें आना था। इस तरफ में भी दो दो लेटर्स लगे हुए, हमें थोड़ा सा और ऊपर जाना है। और इस टाइम पर गाइस हम लोग सीधा उस छत पर पहुंच चुके हैं जहां पर लेस्टर ने हेलीकॉप्टर खड़ा करवाया था। तो फटाफट से गाइस इसके अंदर बैठते हैं। हेली तो भाई ये काफी ज्यादा तगड़े वाला मेरे को लग रहा है, ये लेस्टर का पर्सनल तो नहीं है बट जो भी है सही है। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये दोनों लोग कहां रह गए यार, एकदम सीधा रास्ता है। ओके भी फिलहाल फ्रैंकलिन लो भाई, दोनों आ गए, एक बंदा उस सीढ़ी से आ रहा है, एक बंदा इस सीढ़ी से आ रहा है। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, अभी फिलहाल दोनों बंदे आ जाने चाहिए। फ्रैंकलिन पीछे जाकर बैठ चुका है और आप लोग इस हेलीकॉप्टर की सीट देखो भाई, बिल्कुल लंबोगनी जैसी है। ओके तो भी फटाफट से गाइस हम लोग इसको उड़ाते हैं। और अभी हमने गाइस एक गलती कर दी, लेस्टर ने हमें बोला था कि तुम बस सबसे पहले अपने फेस पर मास्क लगा लेना। तो एक बार मैं हेलीकॉप्टर को वापस से लैंड करा के हम तीनों लोग पहले अपने फेस पे मास्क लगा लेते हैं, वरना वहां चल के गड़बड़ हो जाएगी। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल हम तीनों लोग ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन लिया है। ये सभी जैकेट्स लेस्टर ने इस हेलीकॉप्टर में डालकर हमारे लिए भेजी थी। वैसे यार आज इसका उतना काम नहीं है, क्योंकि आप लोग को तो भाई पता ही है कि हम लोग जहां पर जा रहे हैं, मींस हम लोग जो चोरी करने जा रहे हैं, इसका प्लान इतना तगड़ा है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बट फॉर सेफ्टी ये जरूरी भी था। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल वो जो आप सामने बड़ी वाली बिल्डिंग देख पा रहे हो वही है लॉन्ग बैंक टावर। तो हमें उसके हेलीपैड पर अपने हेलीकॉप्टर को लैंड कराना है, और ऊपर से ही लेस्टर ने ऊपर वाला जो वेंट है ना उसको खुलवा दिया है, मतलब कि उसके अंदर भी लॉक रहता है, वो तो उसने जैसे तैसे करके खोल दिया। और एक सेकंड भाई, मैं बड़े दिनों बाद हेलीकॉप्टर चला रहा हूं और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। मुझे उसके हेलीपैड पर इसे एकदम सेफली लैंड कराना है, किसी को कोई भी दिक्कत ना है। तो अभी फटाफट से एकदम आराम से लेकर चलता हूँ। मेरे हिसाब से 8:30 बज चुके होंगे, और आप लोग भी सोचो यार, मतलब क्या सुबह सुबह चोरी होने वाली, एकदम खतरनाक सी। लेट्स गो गाइस, लैंडिंग थोड़ी सी क्रैश हुई है बट किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मतलब हेलीकॉप्टर तक को भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेट्स गो, अभी फटाफट से गाइस हम लोग चलते हैं सीधा ऊपर। यहीं से लेस्टर ने एकदम मस्त एंट्रेंस हमें बना कर दिया है, हमें बस एकदम आराम से नीचे जाना है। तो गाइस देखो, इसी वेंट की मैं बात कर रहा था, लेस्टर ने वाली जो वेंट है ना इसे खोल दिया है। पहले इन सबको भी आ जाने दो, उसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे चलेंगे। एक बारी देख लेता हूँ, ज्यादा नीचे तो नहीं है, अरे ये तो यहीं पर है। पहले हमें यहाँ से जाना है, उसके बाद वो जो एलिवेटर शाफ्ट होती है, मींस जहाँ से लिफ्ट नीचे जाती है, उसके थ्रू हम लोग रस्सी पे लटक के नीचे जाएंगे। तो गाइस आप लोग ना एक बार इस बिल्डिंग से पूरे लॉस सैंटोस का नजारा देखो भाई, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा लॉस सैंटोस यहाँ से नजर आ रहा है। तो अभी फिलहाल मेरे को लग रहा है कि ट्रेवर फ्रैंकलिन नीचे जा चुके हैं। फटाफट से गाइस मैं भी एक बार ना जंप मार के चलता हूँ। फिलहाल यहाँ पर सीढ़ी लगी है, बट हम लोग जंप मार के एकदम आराम से जाएंगे। ओ भैंस की, मैं सीधा ही नीचे आ गया यार। चलो कोई नहीं, फटाफट से गाइस अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और फ्रैंकलिन यहाँ पर रुक क्यों गया भाई, चलो ना नीचे, रस्सी है तो पूरी लगी लगाई। तो गाइस आप लोग ना एक बार इस बिल्डिंग के टॉप से नजारा देखो भाई, सब कितना ज्यादा बढ़िया आ रहा है, मतलब यार ऑलमोस्ट पूरा का पूरा लॉस सैंटोस हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि फ्रैंकलिन नीचे चला गया, जल्दी से गाइस हम लोग भी चलते हैं सीधा नीचे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ये मैं सारी लेडर्स उतरकर सीधा इस टावर के एलिवेटर शाफ्ट के अंदर आ चुका हूँ। लेस्टर ने ना गाइस यहीं से एक रास्ता कटवा दिया है जिसके थ्रू हम लोग वायर पकड़कर नीचे जा सकते हैं। और ये फ्रैंकलिन यहाँ पर डर के क्यों बैठा हुआ है भाई, चलना ट्रैवर तो लग रहा है नीचे चला भी गया। तो यही
यही है गाइस वो जगह, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इतना होल हो रखा है। हमें ये वाली वायर पकड़ के फुल एकदम लटकते हुए सीधा नीचे जाना है, तो देरी किस बात की, जल्दी से चलते हैं। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैंने इस एलिवेटर शाफ्ट में इस रॉक को पकड़ लिया है और अभी ना मैं स्लाइड करके नीचे जाने के लिए फुल रेडी हूँ। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने इस एलिवेटर शाफ्ट में इस रॉक को पकड़ लिया है, तो 3, 2, 1 लेट्स गो, चलते हैं हम लोग सीधा स्लाइड करते हुए नीचे। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल हम तीनों लोग इस एलिवेटर शाफ्ट के थ्रू उसके रॉक पर स्लाइड कर सीधा इस लॉन्ग बैंक के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। बट अभी हम लोग जैसे ये वाला जो गेट आप देख पा रहे हो ना, ये लिफ्ट का गेट है, इसको पार करते ही हम लोग सीधा बैंक के अंदर पहुंच जाएंगे। बट इस गेट को अंदर से खोलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए गाइस मैं सप्रेस्ड पिस्टल यूज करने वाला हूं। मैंने इनको पूरा प्लान बता दिया कि तुम्हें सीधा जो मेन सिक्योरिटी गार्ड है उनको पकड़ना है या फिर डाउन करना है या फिर किसी को हॉस्टेज बनाना है, ताकि हम लोग ये वाला जो काम है वो साइलेंटली कर ले। फिलहाल ये वाला जो गेट है ना, मैं इसे पहले खोलता हूं यहां पर एकदम आराम से। और एक सेकंड भाई, ट्रैवल शोर मचा रहा हूं। भाई साहब, सामने की तरफ में एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है और वो अकेला होगा तो मैं उसे निपटा सकता हूँ यार। एक तो मैंने बैंक अंदर से देखा भी नहीं है, काफी सारे बंदे हैं, पिस्टल का साउंड ना ज्यादा किसी को जा नहीं रहा होगा क्योंकि ये बिल्कुल सप्रेस्ड है और जो साउंड एको हो रहा है वो सिर्फ इस शाफ्ट के अंदर हो रहा है। तो चलो गाइस, अभी ना फटाफट से हम लोग ये वाले गेट को खोल देते हैं एंड लेट्स गो, हम लोग चलते हैं सीधा इस एलिवेटर के अंदर। और भाई साहब, ये गेट वापस से कैसे बंद हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। अभी फिलहाल मैंने गेट खोल दिया और भाई साहब यहाँ पर तो काफी सारे बंदे हैं। तो गाइस यार, लिटरली वहां पर मैंने एक बंदे की सप्रेस्ड पिस्टल बजा दी और किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। फिलहाल फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो बिल्कुल सही टाइम है गाइस ये इन सबको लपेटने का। फटाफट से सारे चुपचाप से बैठ जाओ, कोई भी यहाँ पर चालाकी करने की कोशिश नहीं करेगा। भाई साहब एकदम गंदी तरह हम लोग इनको लपेटने वाले हैं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल सिचुएशन पूरी कंट्रोल में है। इस टाइम पर फ्रैंकलिन ने एक बंदे को लपेट लिया है ताकि अगर बाहर से कोई भी पुलिस वाला आता है तो हम लोग उसको ये दिखा दे कि भाई अगर तुम अंदर घुसने की कोशिश करोगे या फिर हमें अरेस्ट करने की कोशिश करोगे तो हम लोग इसको निपटा देंगे। फिलहाल ट्रेवर ने भी यहाँ पर एक लड़की को पकड़ रखा है, चलो कोई नहीं, सही है, अभी हम लोग आराम से अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो सीसीटीवी है ना गाइस, मैं इनको यहाँ पर पूरा बंदी कर डालता हूँ। जितने भी पीसी हैं मैं वो सारे खराब कर दूंगा ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए। फिलहाल यहाँ पर भी काफी सारे कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। मुझे एक सेकंड, यहाँ पर ये अलार्म बजाने कैसे जा रही हो तेरी भैंस की डांग, अपना चुपचाप बैठा हो। तो भाई ये अलार्म बजाने गई थी ना नीचे, वहां पर नीचे अलार्म ही लगा होता है। एक मिनट रुक जाओ भाई, सही टाइम पर मैंने इसे देख लिया और वहीं के वहीं लपेट डाला। फिलहाल यहाँ पर ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं ना गाइस, मैंने सारे पूरे बंद कर डाले हैं। और ये देखो गाइस, यहाँ पर नीचे अलार्म लगा हुआ था, इसको लग रहा था कि मैं पीछे चला गया हूँ कि फटाफट से अलार्म बजा देगी और मुझे पता नहीं चलेगा, बट सही टाइम पर मैंने देख दिया है। देखो ये रहा अलार्म का बटन। चलो कोई नहीं, फिलहाल यहाँ पर जितने बंदे थे उन सबको हमने लपेट दिया है। अभी ना फटाफट से गाइस हमें इसकी बेसमेंट में जाना है जहाँ पर सारा गोल्ड रखा हुआ है। उतरी उसके सामने की तरफ में एक और बॉडीगार्ड है, इंतजार कर रहा है कि कब हम लोग कोई छोटी सी गलती करें और वो कब हमें लपेटे। तो मैं काम करता हूँ गाइस, जल्दी से हम लोग ना नीचे चलते हैं अभी जहाँ पर वो वॉल्ट है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं इस बैंक की सारी सीढ़ियां उतरता इसके बेसमेंट में आ चुका हूँ जहाँ पर ये वॉल्ट है। अभी फिलहाल इसी बंदे को तो मैं ढूंढ रहा था। चलो बेटा फटाफट से चल के वाला गेट खोल दो, बेटा टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी चल यहाँ से, दिमाग खराब कर रहा है। वैसे बंदा काफी ज्यादा बढ़िया है, हमने इसको हल्का सा टॉर्चर करा डराने के लिए और ये तो हमारी पूरी बात ऐसे मान रहा है जैसे हमारी टीम का बंदा हो। फिलहाल इसने वहां पर जाकर इस वॉल्ट का कोड डाल दिया है। चलो ठीक है, खोल दे भाई इसे आराम से, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, पता चला अंदर से पूरी आर्मी निकल कर आ रही है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी फंसना नहीं है। हेलो, गेट खुला नहीं है अभी तक, मेरे को पागल बना रहा है क्या ये? भाई गेट खोल दे, दिमाग मत खराब कर, यहाँ पर रुक जाओ गाइस, मेरे को लग रहा है कि मुझे ना इसके अभी और बरसाने पड़ेंगे थप्पड़ उप्पड़। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल ये जो वॉल्ट है ये खुलना स्टार्ट हो गया और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इनका वॉल्ट काफी ज्यादा सही है, ऑटोमेटिकली खुल जाता है, वरना यार इतना भारी गेट है इसको खींचना पड़ता है। और गाइस अभी हम लोग घुसने वाले हैं खजाने के रूम में और आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो भाई इधर कितना ज्यादा गोल्ड है। इधर दो दो ट्रॉली गोल्ड, दो दो नहीं भाई, यहाँ पर काफी सारे कैबिन्स टाइप बने हुए हैं और सभी के अंदर काफी सारा गोल्ड और कैश भरा हुआ है। भाई इतना ज्यादा गोल्ड तो हम लोग लेकर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसके लिए तो ट्रक चाहिए, वो भी 2-3। चलो कोई नहीं, ये तो खाली पड़ा हुआ है। अभी गाइस ये जो सारा गोल्ड अगर मैं खुद अकेले भरने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और ट्रेवर फ्रैंकलिन को बुलाऊंगा तो सीधी सी बात है पुलिस वुलिस अंदर आ सकती है। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल ये बंदा ऊपर लॉकर से काफी सारे बैग्स लेकर आ चुका है और अभी इसके अंदर हम लोग ढेर सारा गोल्ड और कैश भरने वाले हैं। फिलहाल मेरा बैग अभी खाली है, मैंने इससे ये वाला लॉकर खुलवाने के लिए बोल दिया है तो कह रहा कि वाला लॉकर ओपन है, तुम अंदर जा सकते हो। तो भी फटाफट से गाइस हम लोग इसके अंदर चलते हैं और भाई साहब यहां पर तो काफी सारी महंगी महंगी पेंटिंग्स रखी हुई है। मुझे लग रहा था इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होगा बट नॉर्मल कैश ही है और पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स है। फिलहाल ये ओ भाई, यहां पर तो गाइस दो दो ट्रॉली डायमंड पड़ा हुआ, भाई यही तो चाहिए था। अभी फटाफट से ना गाइस अपने बैग में तो मैं सारा डायमंड भरने वाला हूं पहले। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल इस वाली ट्रॉली से मैंने ढेर सारा गोल्ड जो उठाकर अपने बैग में भरना स्टार्ट कर दिया।
है। और इससे पहले गाइस जो अंदर वाली ट्रोली थी ना, जिसके अंदर ढेर सारा डायमंड भी पड़ा हुआ था, उन ट्रोली से भी गाइस मैंने सारा डायमंड्स बैग में भर दिया। ये अपना तीसरा बैग है जिसके अंदर मैं गोल्ड भर रहा हूँ। फिलहाल अभी ना लस्टर का मैसेज आया था, वो कह रहा है कि अभी ना हमें जल्दी से वहां से निकलना पड़ेगा, तो जितना भी गोल्ड और कैश इकट्ठा हुआ फटाफट से उसको लेकर निकलो। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल इधर ट्रॉलीज में जितना भी गोल्ड भरा हुआ था वो सारा का सारा उठाकर हमने अपने बैग्स में भर दिया है। और वो जो डायमंड्स थे ना गाइस, उनको मैंने इस ब्रीफकेस में डाल दिया है ताकि वो सेफ रहे। अभी फिलहाल ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर जितना भी गोल्ड था समझ लो सारा ही उठाकर बैग्स में डाल दिया है। और फिलहाल ये जो अपना बंदा है ना गाइस, सच्ची में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। एक बार में टोटल 6 बैग उठाकर ले जा रहा है अपनी गाड़ी में लोड करवाने के लिए। और वैसे भी गाइस मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भूल गया हूं यहां से लेना, जो कि लेस्टर ने इंपॉर्टेंट हमें कही थी। तो गाइस ये जो आप देख पा रहे हो ना गोल्डन मंकी, पता नहीं यार ये किस काम आएगा, छोटा सा है बट क्या पता बहुत ज्यादा महंगा बिके। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहां से मैंने वो गोल्डन मंकी भी उठा दिया है। जल्दी से गाइस अभी हम लोग निकल लेते हैं सीधा इस बैंक से बाहर, क्योंकि फ्रैंकलिन और ट्रेवर बाहर निकल चुके हैं और वो गाड़ियों के पास खड़े होकर मेरा वेट कर रहे हैं। तो मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहां पर थोड़ा और भी लेट हो जाते हैं ना, तो हो सकता है भाई किसी ना किसी ने ना अभी तक पुलिस वालों को बता दिया हो, तो हमारे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। फिलहाल सारी गाड़ियां बाहर खड़ी हुई है, जल्दी से गाइस अभी हम लोग यहां से निकल लेते हैं। चलो 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 फटाफट से गाड़ी में बैठो। ये जो गाड़ी है गाइस, इसके अंदर अंडरवाटर माफिया साथ में आया हुआ है। और इस टाइम पर गाइस ड्राइवर भी अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा चुका है, फ्रैंकलिन भी आगे वाली गाड़ी में बैठ गया है। और गाइस ये जो बंदा है ना, मैं सोच रहा हूं कि यार हम लोग ना लगे हाथ इसको भी निपटा दें, क्योंकि यार इसके थ्रू ना हमें आगे गलती हो सकती है, क्योंकि इसको हमने ट्रेवर और फ्रैंकलिन ने अपना रियल फेस दिखा दिया था। फिलहाल अभी भाई अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं था, फटाफट से गाइस अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं। वो लोग दूसरे रास्ते से गए हैं, हम लोग दूसरे रास्ते जाएंगे। हमें इस टाइम पर जाना है सीधा लस्टर के घर पर। और भाई मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि ये जो चोरी यार इतनी ज्यादा प्यार से होगी भाई, मतलब क्या ही बताऊं। वैसे वो जो बैग बंदा ऊपर लेकर आया था, वो आधे बैग अपनी गाड़ी में है और आधे बैग ट्रैवर की गाड़ी में है, तो हमें ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत बैग है और थोड़ा बहुत कैश और गोल्ड है जो कि हमें बैंक में छोड़ना पड़ गया, क्योंकि भाई ज्यादा लूटने के चक्कर में कहीं ये ना होता ना कि भाई हम ही फंस जाते और लो भाई गाड़ी भी ठुक गई। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने लगे हाथ अपनी उस फ्रेंड से भी बात कर लिया जो कि हमारे पास हमारे शोरूम के बाहर जो कार की डील्स लेकर आया था। और वो कह रहा है कि अगर अभी तुम्हारे पास कैश है तो फटाफट से एक लोकेशन उसने हमें भेजी है, वहां पर हमें पहुंचना है। और वो कह रहा है कि अगर अभी आ जाओगे तो $30 million में वो सारी की सारी गाड़ियां हमें दिलवा देगा। तो मैंने उसे बोल दिया चल ठीक है भाई, मैं जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचता हूं। तो एक काम करते हैं गाइस, अंडरवाटर माफिया को मैंने बोल दिया कि तू अपना ये जो डायमंड वाला ब्रीफकेस है इसको लेकर सीधा लेस्टर के घर के लिए निकल जा, यहां से उसका घर वैसे ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और अभी फटाफट से गाइस हम लोग निकल लेते हैं वो सारी गाड़ियां लेने के लिए। अब यार देखो ये काम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अगर वो एक बार गाड़ियां वो बंदा चला गया ना, तो भाई फिर हमें वो गाड़ियां इतनी सस्ती दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। इसलिए गाइस अभी फटाफट से मैं निकलने वाला हूं सीधा उसी जगह पे। लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा उस जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर मुझे मेरे फ्रेंड ने मिलने के लिए बुलाया था। उसने बस मुझे इतना कहा था कि वो जो लिबर्टी वाला बंदा है वो भी यहां पर बस पहुंचने वाला है ट्रेलर में अपनी सारी गाड़ियां लोड करके, और हमें बस उसे पेमेंट करनी है और उसके जो ट्रक और ट्रेलर है और वो सारी गाड़ियां हैं उसको लेकर निकल जाना सीधा अपने शोरूम के लिए। और वैसे सही बताऊं तो भाई मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई हमने एक दिन के अंदर बिलियंस की चोरी कर लिया। भाई अगर देखा जाए तो बिलियन से भी ऊपर हो सकता है, मतलब बिलियन बहुत ज्यादा होता है, बट हमारे पास काफी सारा डायमंड है, काफी सारा गोल्ड है और कैश तो उतना लूटा ही नहीं। जितने भी बैग्स हैं उसमें ऑलमोस्ट सब में गोल्ड ही गोल्ड भरा हुआ है। और अभी फिलहाल हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमारे फ्रेंड ने हमें मिलने के लिए बुलाया था। ये जगह तो काफी ज्यादा बढ़िया है। फिलहाल अपनी गाड़ी को हम लोग यहीं पर साइड में पार्क कर देते हैं और अभी चलते हैं सीधा अंदर और चलकर उससे मिलते हैं। वैसे मेरा बैग गोल्ड वाला ही था ना, पता चला मैं गलती से उसे डायमंड वाला बैग दे दूं। नहीं, डायमंड तो हमने अपने ब्रीफ केस में डाल दिए थे। चलो कोई नहीं, तो चलो गाइस फटाफट से हम लोग इस जगह के अंदर चलते हैं। और जो अपना फ्रेंड है ना गाइस, वो इसी बिल्डिंग के टॉप पे हमारा वेट कर रहा है। और वैसे ये जो जगह है ना गाइस, यहां पर मैं उतना आता जाता नहीं हूं। पहले मुझे लगता था कि ये जगह एक बहुत बड़ा मॉल है यहां पे, बट ऐसा नहीं है, ये कुछ ना इंस्टीट्यूट टाइप जगह है, यहां पर किसी चीज की पढ़ाई वगैरह होती है शायद से, अभी भी मैं श्योर नहीं हूं। और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि जब भी मैं यहां पर आता था ना, इधर भाई इतनी ज्यादा भीड़ होती थी पूछो मत, बट यार आज यहां पर मुझे एक भी बंदा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था गेट पे। ऐसा कैसे हो सकता है, लग रहा है आज छुट्टी होगी, बट आज संडे भी नहीं है, पता नहीं, छोड़ो शायद संडे ही है। चलो अभी फिलहाल हम लोग जल्दी से ऊपर चलते हैं, मुझे यहां पर स्टेयर्स मिल गई है, यहीं पर ऊपर वो हमारा वेट कर रहा है। और मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं उन सभी गाड़ियों को अपने घर ले जाने के लिए। घर नहीं ले जाएंगे, उसको सीधा शोरूम ले जाएंगे और वैनी से मॉडिफाई करवा लेंगे, थोड़ा बहुत कलर चेंज करवा लेंगे, मॉडिफाई कुछ करवाना नहीं है भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी सुपर कार है। और वो जो लैम्बोर्गिनी एसवीजी है ना, वो तो मैं सोच रहा हूं कि वो हम अपनी पर्सनल कर लें। और वो रहा गाइस अपना फ्रेंड सामने खड़ा हुआ है, अपना अखबार पढ़ रहा है भाई वो फुल मजे में। चलो इससे बात करते हैं पहले हम लोग जल्दी से। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं इससे बात कर रहा था, तो सामने की तरफ से ना ये दो FIB के ऑफिसर यहाँ पर आ गए हैं पता नहीं क्यों, और वो शायद इससे थोड़ी बहुत बहस कर रहे हैं। ओके
भाई मुझे लग रहा है कि ये जो अपना फ्रेंड है ये भी एफआईबी का ही बंदा है। ये लोग कह रहे हैं कि माइकल को अरेस्ट कर लो फटाफट से। बट भाई ऐसे थोड़ी होता है यार, बेमतलब में कोई किसी। ओ एक सेकंड भाई, मुझे पता है क्या लग रहा है कि ये जो अपना फ्रेंड है ना, इसका प्लान था हमें धोखा देने का। ओ एक सेकंड, बट वो तो खुद उनके ऊपर एम कर रहा है भाई, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा था कि अपना फ्रेंड हमें फंसाना चाह रहा है, वो यहाँ पर हमें अरेस्ट करवाने के लिए लेकर आया है। बट अभी सीन बिल्कुल अलग है भाई साहब। यहाँ पर ये जो एफआईबी वाला बंदा है ये कह रहा है कि फटाफट से इसे अरेस्ट करो, बट अभी अपने फ्रेंड ने मामला शांत करा दिया। यहाँ पर गाइस सभी पीछे से चार और आ गए हैं एफआईबी के ऑफिसर। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो अपना फ्रेंड है ना, गाड़ी का लालच देके हमें धोखा ही देना चाह रहा था, और अभी उसने हमें चारों तरफ से घेर के फंसा ले। नहीं यार, ये अपना फ्रेंड सही है, हमें धोखा नहीं दे सकता भाई। यहाँ पर एफआईबी के ऑफिसर ने हमें पकड़ लिया। ये सारी चाल मिलिट्री कर्नल के नए वाले उसको ही। भाई 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 अभी हम लोग बहुत गंदा फंस चुके हैं भाई। ओ भाई साहब पीछे से हेलीकॉप्टर भी आ गया है। बेटे ये तो टेररिस्ट का हेलीकॉप्टर है भाई। एक सेकंड भाई, ओ भाई यहाँ पर तो गोली चला दी एफआईबी। ओ भैंस की टांग, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गलत सीन ही हो गया भाई। ऊपर से वो जो हेलीकॉप्टर आया ना गाइस, वो टेररिस्ट का हेलीकॉप्टर है। अभी जल्दी से ना गाइस, हमें पहले तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। इधर जितने भी स्वैट सोल्जर है ना गाइस, पहले तो मैं इनको बहुत गंदा बजाने वाला हूँ। ओ भाई सामने हेलीकॉप्टर आके डाउन हो गया, बट हेलीकॉप्टर डाउन किसने करा मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। सामने की तरफ में भी एक बंदा है, अभी जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। डेव के साथ हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं। ये गया स्वैट सोल्जर, वो रहा सामने की तरफ में डेव। वो भैंस की, इसको पहले मैं मारता हूँ नीचे से। भाई सब ये टेररिस्ट भी आ गए हैं, और उस टाइम पर मिलिट्री कर्नल का ही सीन लग रहा है। अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि उसने टेररिस्ट को और स्वैट को हमें किडनैप, मतलब कि हमें अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर भेजा। और ट्रेवर, ओ भाई साहब, तो गाइस अभी ना फिलहाल ट्रेवर ने एकदम मस्त टाइम पे एंट्री करके इस हेलीकॉप्टर में स्नाइपर बजा दी और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर दिया। तो गाइस वो देखो, वो खड़ा ट्रेवर भाई, सही टाइम पर एंट्री मारी हेल्प करने के लिए। ये हमारा पीछा कर रहा था क्या भाई? तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल ट्रेवर ऊपर से इन लोग एकदम मस्त स्नाइपर बजाने वाला है, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी फिलहाल गाइस जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। और आप लोग भाई देखो कैसे ये स्वैट सोल्जर्स भागते हुए आए थे सामने से, वो तो सही टाइम पर मैंने इनके एकदम मस्त शॉट बजा दिया। एक बंदा यहाँ पर सामने भी खड़ा हुआ, चल तेरी ऐसी की तैसे निकल यहाँ से, इसको भी मैंने डाउन कर दिया है। और गाइस मैं सच्ची बताऊं तो मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि स्वैट सोल्जर्स एंड जितने भी टेररिस्ट हैं वो मिलकर हमें मारने के लिए यहाँ पर आ रखे हैं। भाई मैं 100% श्योर हूँ ये मिलिट्री कर्नल का ही प्लान होगा, हमें मरवाने के लिए, हमें अरेस्ट करवाने के लिए नहीं, क्योंकि यार सच्ची में वो बहुत ज्यादा ही तेज बंदा है। और मैं बेमतलब में अपने फ्रेंड के ऊपर शक कर रहा था। मुझे तो ना गाइस इस चीज में थोड़ा बहुत हाथ ना अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड का भी लग रहा है। उसने जानबूझ के हमें इस जगह पर मिलने के लिए बुलाया होगा, उसने ऐसा बोल दिया कि भाई मैं गाड़ी तुम्हें इसी जगह पर दूंगा। और तभी यहाँ पर आज कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा था, ताकि और किसी बंदे को नुकसान ना पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ हम ही मारे जाए, मीन से अरेस्ट करे जाए या फिर मारे जाए, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये लोग अरेस्ट करने की बात कर रहे थे। फिर सीधा गोलियां चलने लग गए। चलो अभी फटाफट से गाइस मैं यहाँ से नीचे उतरता है, मुझे अभी फटाफट से टेव को बचाना है और यहाँ से निकलना है। बहुत सारे टेररिस्ट और स्वैट सोल्जर्स यहाँ पर आ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यार अच्छी बात तो यह है कि पता नहीं कहाँ से ये ट्रेवर टपक पड़ा। मैं 100% श्योर हूँ कि ट्रेवर ने हमारा पीछा करते हुए आया होगा यहाँ पर, कि आखिरकार हम लोग जाते कहाँ पर है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आज पहली बार हमारा पीछा कर रहा हो सकता है ये डेली हमारा पीछा करता हो इस तरीके से। भाई ये अलग ही बंदा है ट्रेवर थोड़ा, बट कोई नहीं, अभी फिलहाल इसने हमारी एकदम मस्त एकदम जान बचा ली, वरना तो भाई इन सभी ने आज हमें घेर लिया था बहुत गंदी तरह। और इस टाइम पर गाइस डेव यहाँ पर फुल एकदम गोली चलाने में लगा हुआ है। निपटा भाई जल्दी से जल्दी सब बंदों को। यहाँ पर अभी एक आध बंदा ओके पीछे छुप कर बैठा हुआ है, मैं भी अपनी स्नाइपर निकालता हूँ। एक बंदा और बचा लास्ट सामने, यहीं कहीं पर तो है, मुझे देख के उसे भी बजाना पड़ेगा। ये रहा, इसको तो मैंने वैसे डाउन कर दिया था, बट अभी पूरा नहीं मरा था वो। ये रहा लास्ट बंदा यहाँ पर गाइस, इसके में एक शॉट। चल ओ एक सेकंड, निकल यहाँ से। तो चलो गाइस अभी फिलहाल जितने बंदे थे ऑलमोस्ट हमने सबको मार दिया है, अब फटाफट से गाइस हमें यहाँ से निकलना होगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने डेव को अपने साथ चलने के लिए बोल दिया है, फटाफट से गाइस अभी हम लोग निकल लेते हैं सीधा इस जगह से बाहर, वरना तो पुलिस ऑफिसर्स और ब्लैक ऑप्स सोल्जर्स आ गए थे। ब्लैक ऑप्स सोल्जर्स से आप लोग समझ लो वो मैरी वेदर के बंदे, वही टेररिस्ट काफी ज्यादा जो खतरनाक होते हैं। और मुझे लग रहा था कि भाई हम लोग यहाँ से बच निकले आराम से, बट अभी तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस आनी बाकी थी। रुको भाई अभी जल्दी से गाड़ी में बैठो बेचारे डेव कहाँ पर रह गया, जल्दी से उसे लेकर हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि गाइस वो अंदर ही रह गया है। जल्दी आ भाई, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले तो यहाँ पर जितने बंदे हैं ना, इन सबको मैं आराम से अपना सीधा कट्टा मार के भाई इन्हें डाउन करता हूँ। और गाड़ी का टायर पंचर हो गया ना, तो हम लोग आज पक्का अरेस्ट हो जाएंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल डेव ने काफी देर लगा दी, बट भागता भागता आ चुका है सीधा हमारी गाड़ी में बैठने के लिए। पीछे की तरफ में एक बंदा और था, इसको भी मैंने डाउन कर दिया है। भाई सामने से तो काफी सारे पुलिस वाले आ रहे हैं,
भाई पक्का बता रहा हूँ ये मिलिट्री कर्नल की चाल थी, वरना इतने सारे पुलिस वाले एकदम एग्जैक्ट टाइम पर यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। उसको लग रहा होगा कि ये काम ना FIB वालों से आराम से करवा लेगा, बट भाई हमने उनको तो निपटा दिया। और अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई पुलिस आ चुकी है बहुत गंदी तरह, सारे रोड इन्होंने लग रहा भाई ब्लॉक कर दिए होंगे अब तक। और अभी गाइस मुझे कोई दूसरा रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा, रोड से जाऊंगा तो भाई मैं 100% श्योर हूँ ये लोग भाई बिल्कुल फंसा देंगे एक जगह पर, ना हम लोग आगे जा पाएंगे ना पीछे। फिलहाल यहाँ पर डेव लगा हुआ है जैसे जैसे इनसे भिड़ने में, ये भी भाई काफी ज्यादा तगड़ा गैंगस्टर टाइप बंदा ही है, मस्त एकदम फायरिंग कर रहा है। बट अभी मुझे लेस्टर को कॉल करना पड़ेगा कि आखिर हम लोग यहाँ से निकले कैसे, क्योंकि अभी हम बहुत बुरी तरह यहाँ पर फंस चुके हैं। सामने की तरफ में एक बंदा हो रहा है, इसको मैंने डाउन करा फटाफट गाइस अपनी ओ भैंस की, ये तो मेरे को लग रहा था नॉर्मल पोल है टूट जाएगा, बट यार ये टूटा ही नहीं। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल अपनी गाड़ी मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया है, फटाफट से गाइस अभी हम लोग इसको भगा लेते हैं किसी सेफ जगह के लिए, वरना ये जो पुलिस वाले हैं ना ये हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो ओके गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल अपनी सुपर कार की जो हालत है भाई वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसका पीछे वाला टायर ना बिल्कुल एकदम देखो मुड़ गया है, जिस वजह से यार ये अपनी मैक्स स्पीड में भी नहीं चल पा रही, मीन्स नॉर्मल स्पीड में भी नहीं चल पा रही है, क्योंकि यार सीधी सी बात है जिस टायर से रेस जा रही है वो टायर ही पूरा टेढ़ा हो चुका है और इन्होंने भाई सारे रास्ते ब्लॉक करवा दिए हैं। ये मिलिट्री कर्नल ने भाई सच्ची कहा था अपने वाले पुराने मिलिट्री कर्नल ने कि जो नया मिलिट्री कर्नल आया ये बहुत बड़ी गड़बड़ करेगा, और उसने कर दी। हमें अलर्ट तो हम लोग थे बट इतने ज़्यादा अलर्ट नहीं थे कि इतनी बड़ी गड़बड़ कर डालेगा। फिलहाल गाइस अभी हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर लेस्टर का अपना सीक्रेट बेस है, बट अगर हम लोग ऐसे जाएंगे और पुलिस वालों ने हमें जाते हुए देख लिया तो ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हमें किसी और तरीके से वहां पर जाना पड़ेगा ताकि ये लोग हमें ना देख पाए। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी को आगे लाकर यू टर्न मार लिया है, अभी जल्दी से हम लोग वापस चलते हैं, मैं जाऊंगा तो अपने सीक्रेट बेस में बट किसी और रास्ते से, जो रास्ता इन पुलिस वालों को बिल्कुल भी ना समझ आए ताकि हम लोग इनके हाथ से इजीली निकल जाएं। तो गाइस ये जो जगह आप देख पा रहे हो ना, अगर हम लोग इस वेयर हाउस को टॉप के उस साइड चले जाते हैं तो हम लोग अपने सीक्रेट बेस में पहुंच जाएंगे, बट हमें अपनी गाड़ी को भी यार कहीं ना कहीं तो छुपाना पड़ेगा। फिलहाल टॉप के हम लोग पहले इस साइड पर चलते हैं, नहीं हमें इस साइड नहीं जाना, उस साइड से टॉप के अंदर जाना है, पुलिस वाले भाई यहीं कहीं पर है आसपास, अगर देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी से गाइस यहाँ पर ये जो लैडर्स है ना मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ, बस हल्की सी एक जंप मार के मेरे को उधर जाना है फटाफट से गाइस, भी कोई देर नहीं होनी चाहिए। ये मार दी मैंने जंप और ये आ गया गाइस अपना वेयर हाउस। अच्छी बात तो यह है कि इन्हें कुछ भी मालूम नहीं पड़ा भाई, लेट्स गो अभी हम लोग सीधा वेयर हाउस के एकदम बाहर ही आ गए, बट डेव कहाँ रह गया भाई उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल डेव भी भागता भागता यहाँ पर आ चुका है। वो भाई साहब एक स्वैट सोल्जर ने गाइस मुझे यहाँ पर देख लिया है, पहले तो गाइस मैं इसको डाउन करता हूँ। भाई 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 एक ही था ना, और तो नहीं थे, पता चला भाई यहाँ पर और हो वरना तो यार बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलो कोई नहीं, मामला एकदम शांत है, यहाँ पर जो जो बंदे हैं इनको हम लोग डाउन कर देते हैं। गाइस अभी फटाफट से मैं चलता हूँ सीधा अपने वेयर हाउस के अंदर छुपने के लिए। और यार मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस वालों की गाड़ियां यहाँ पर अंदर भी आ रही है, डेव ना ऊपर ही खड़े होकर देख रहा है कि कोई अंदर आ रहा है या फिर नहीं। फिलहाल जहां तक मुझे लग रहा है अभी हम लोग सेफ हैं। फटाफट से गाइस लेस्टर को कॉल करके बताता हूँ कि हमें छुपने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर हमें बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए, पुलिस हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वैसे गाइस यार देखो अच्छी बात तो ये है कि हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ, हाँ ये बात है कि वो जो बहुत ज्यादा बढ़िया डील थी शायद वो अपने हाथ से जा चुकी है, क्योंकि वो सब एक टाइप से ना पूरा धोखा था। बट यार वो बंदा मेरे को बहुत ज्यादा अमीर लग रहा था क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां लेकर आया था और लिबर्टी वाला बंदा ये वो कर सकता है, तो इसलिए मैंने ट्रस्ट करके मैंने पैसे इकट्ठे करने में लग गया। फिलहाल अच्छी बात है कि सारा पैसा अभी भी हमारे पास ही है और वेयर हाउस में मुझे कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा है, शायद कोई भी अभी होगा नहीं। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 1.2 मिलियन लाइक के लिए। तो सभी लोग जाओ जिसको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और जो भी चैनल पे नया चैनल हो सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलना, और मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना कि क्या हमें लिबर्टी जाकर और गाड़ियां लेकर आनी चाहिए या फिर इन पैसों से नहीं। वैसे पैसा तो बहुत ज्यादा हो चुका है बट अभी हम पांचों लोगों में दबा के बटने भी वाला है। खैर छोड़ो यार वो बात की बात है, बट आप लोग अपना सजेशन देना बिल्कुल मत भूलना, और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा फटाफट से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे से बात करने के लिए। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।